तो आज के सेशन में बहुत सारे विषयों पर चर्चा करना है मुझे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आमतौर पे एक स्टूडेंट इन्हीं सभी समस्याओं से जूझता रहता है। तो क्या क्या विषयों को लेकर के मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ, इस पर पूरी चर्चा करते हैं। आज से सेल्फ स्टडी प्रोग्राम भी आपका चालू होगा, उस पर भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। सभी को पता नहीं था क्या कि आज कौन सा सेशन है? आज करंट अफेयर्स सोच के आधे तो गायब हो गए। करंट अफेयर्स में नहीं आते सब? चलो ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज चर्चा बहुत बृहद स्तर की हमें करनी है, और इसमें मैं तीन चार टॉपिक हैं जिनको लेकर के आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। पहला टॉपिक है आपका, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है प्लानर। आपका प्लानर क्या होना चाहिए? सेल्फ प्लानर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लानर को मैं एसोसिएट करूँगा आपकी संस्थान के साथ। संस्थान में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसी हिसाब से आपका एक प्लानर बनाना जा रहा हूँ मैं। ये प्लानर जो होगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों के लिए एसोसिएटेड करके ये प्लानर मैं बनाऊँगा। यानी डेली रूटीन, एक चर्चा इसके बारे में करेंगे, डेली रूटीन के बारे में, ठीक है, कैसे होना चाहिए। और ये रूटीन इसलिए कारगर होगी क्योंकि पिछले 7 दिनों से मैं यही जी रहा हूँ, तो इसके चैलेंजेस बता दूंगा। इसको मैंने मॉडिफाइड भी बहुत कुछ किया है क्योंकि 7 दिनों में बहुत सारे चैलेंज मुझे मिले हैं। इसके बाद दूसरी रूटीन जो आपकी रहेगी प्लानर के बाद, वो है डेली नोट्स मेकिंग प्रोग्राम पूरा, कि नोट्स आपको सेल्फ नोट्स कैसे बनाने। एक तो संस्था के द्वारा नोट्स बनवाए जाते हैं, दूसरे मार्केट में बने बनाए नोट्स मिलते हैं। कोई भी किताब अपने आप में एक नोट्स होती है, तो नोट्स मेकिंग प्रोग्राम पे हमारी चर्चा होगी कि नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है, सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं। और ये बनाए बिना कोई कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि अब एग्ज़ाम लिखित हो चुके हैं, PCS वगैरह, तो खुद के नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। अगला विषय वस्तु है जिस पर मुझे चर्चा करना है, वो है आपका टारगेट प्रोग्राम। सेल्फ स्टडी के अंतर्गत टारगेट देने हैं मुझे, कैसे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए इसका भी आइडिया आपको लग जाएगा। और दूसरा, मैं जो है इसको चूँकि रेगुलेट करने जा रहा हूँ, तो सेल्फ स्टडी में टारगेट प्रोग्राम, आपके टारगेट सेट करेंगे और इस प्रोग्राम को हम अच्छे से लेके चलेंगे, ठीक। इसके बाद अगला सेक्शन जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, वो सेक्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम मेंस आंसर राइटिंग सेक्शन। इस पे काम कैसे करेंगे और क्यों ज़रूरी है, कितना काम डेली करना चाहिए, ठीक है, मेंस आंसर राइटिंग। तो ये जो आपके चार विषय हैं, चारों विषयों पे मैं एक एक विषय पे चर्चा करूँगा। अब आप चाहें तो एक दो विषय और जुड़वा सकते हैं, बताइए। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें? अच्छा, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन बता तो दिया, एक कान से सुना मेरी बात, दूसरी कान से निकाल दिया। तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें और न्यूज़पेपर के साथ साथ और क्या क्या पढ़ें, ठीक है, और क्या क्या करंट अफेयर्स में पढ़ें, करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज आपके कैसे होंगे, ठीक है, ये टॉपिक होगा। और बताइए, बता दीजिए भाई, जो भी है, ये जो बीच बीच में हम लोग के दिमाग में नेगेटिविटी आती है, इसको कैसे, इसको कोई इसका उपाय नहीं है, इसके लेकर के आप, ठीक है, इसको लेकर के आपको नेगेटिविटी कैसे दूर करें। एक्चुअली में गंदगी आपकी खुद की उपज है, तो इसकी सफाई आपको खुद करनी चाहिए, दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सनल इशू होते हैं, आपके अपने आप को लेकर भ्रम होता है, आपको भविष्य को लेकर के भय होता है, यही सब चीज़ें निगेटिविटी में बदल जाती हैं। निगेटिविटी डर किस चीज़ का है? भविष्य का है ना, कि भविष्य में मेरे साथ ये हो जाएगा। कल्पना शक्ति आपकी इतनी अकूट है कि वो हमेशा नकारात्मक ही सोचती है, आपकी कल्पना शक्ति नकारात्मक हो गई है, बात यह है, कल्पना शक्ति नकारात्मक है, वो पॉजिटिव नहीं है। अब इसको निगेटिव को सकारात्मक कर लीजिए, यहीं पे इसको हटा करके इसको सकारात्मक कर लीजिए। सकारात्मक मतलब अच्छा सोचिए, ये मत सोचिए कि अब गाड़ी लेके चले तो एक्सीडेंट ही होगा, ये मत सोचिए। यदि ये सोचेंगे तो गाड़ी में फिर एक्सीडेंट हो भी सकता है। तो ये जो नकारात्मक कल्पना शक्ति है इसको ख़त्म करिए। मात्र डर इस चीज़ का है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये शायद नहीं होगा,
वो डर के कारण से आप परेशान हैं। मुझे तो लगता है यही डिमोटिवेशन का कारण बनता है। तो ये काम तो आपको खुद करना है, ठीक है। मेरी सही सलाह यही होगी, बाकी कुछ नहीं होता मोटिवेशन डिमोटिवेशन। यदि मुझे पता हो कि ये काम मैं कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ, मेरा हो जाएगा, है ना। ये भी हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन मैं क्यों नहीं हो सोचूं, मैं तो हो जो कर रहा हूँ, यदि टाइम दे रहा हूँ तो उसको यही सोचूंगा ना कि ये चीज़ होगी ही होगी, तो ठीक है। अभी मैं सेशन लेके आया हूँ, सेशन लेकर मैं ये सोचूं कि आप लोगों पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो मेरा सेशन लेने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं पहले से ही डिमोटिवेट होके आऊँगा, लेकिन मैं डेली आता हूँ, मुझे लगता है शायद एक बच्चा, मान लो पूरी क्लास में शायद एक बच्चा भी मेरी बात को समझ पाया और उसका काम बन गया, तो मेरा काम बन गया। तो मैं एक की उम्मीद लेकर के भी बैठा हूँ। मुझे पता है सबको सब समझ आ जाए तो बहुत बड़ी बात मेरे लिए हो गई, लेकिन मैं एक की भी उम्मीद में बैठा हूँ कि शायद एक को समझ में आ जाए मेरी बात। सब ना समझें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं कि अरे सब बेकार हैं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। चलो उसकी बात मैं करता रहता हूँ, बीच बीच में बहुत सारी कहानियाँ भी सुनाया मैंने इन चीज़ों को लेकर के। हाँ, अरे वो सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में है, तो ये सेल्फ स्टडी है तो सब कुछ है इसमें। अब देखिए आज बस यही चर्चा होनी है, ये आपका अटैच होगा, सब इससे अटैच हो जाएगा प्लानर से, ठीक है। चलो फिर शुरू करें टॉपिक को। चलो शुरू करते हैं, एक एक विषय को लेकर के मैं आपसे डिस्कस करना शुरू करता हूँ, ठीक है। बस आपका काम है मुझे आराम से सुनना और कुछ लिखना, ठीक है। साथ साथ पेन भी चलते रहना चाहिए, तो अपना पेन भी ओपन कर लीजिए। पहली विषय पर चर्चा करते हैं। पहला ही सब्जेक्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो प्लानर ही हो सकता है। आपकी दिनचर्या जो है बहुत इम्पॉर्टेंट विषय वस्तु है कि स्टूडेंट की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। आप मुझे थोड़ा सा सर्वे के थ्रू एक सर्वे करना चाहूँगा कि आप लोगों का कैसा रूटीन चलता है। 7 दिनों का बताइए अनुभव, फिर मैं अपना बताता हूँ। 7 दिनों का रूटीन कैसे चलता है, मतलब कैसे रन हो रहा है। सुबह जगना, फिर एक क्या साइकिल की तरह है कि उस साइकिल ही बार बार रिपीट हो रही है ना। आप साइकिल क्लॉक को तोड़ना चाहते हैं, क्लॉक नहीं टूट रही है। हाँ अच्छा, 5 बजे उठे, 5 बजे बहुत बड़ी बात है, 5 बजे उठना। 5 बजे यहाँ कितने लोग उठते हैं, अच्छा बताइए। बाकी 6 बजे, 6, 6:30, 7, 7 बजे तक फाइनली उठ जाते हैं, है ना। उठना पड़ता है क्योंकि सुबह 9 बजे आना है, ठीक है। तो 7 बजे तक आप उठ जाते हैं, और नेक्स्ट 8 बजे आप उठती हैं। हाँ तो बहुत बड़ा उपकार करती हैं आप, लेट में रात सो के सोती हैं कि हाथ में वो रहती है मशीन एक जगाने वाली। मोबाइल नहीं रहता, अच्छा। चलो फिर शुरू करें सेक्शन को। देखो प्लानर कैसे होना चाहिए, पहली बात आज एक बात बताता हूँ आपको, आज सीखो इसे। जब भी कोई पॉलिसी बनती है, एक पॉलिसी हमारी एक नीति है, नीति अपने दिन को पूरे दिन को रेगुलेट करने की, समझ रहे हैं, पूरे दिन को रेगुलेट करने की नीति, और एक एक दिन जुड़ करके 365 हो जाएगा एक साल की नीति, है ना, वही पूरी ज़िंदगी। तो ये नीति है, पहली चीज़ इसमें चेंजेस आएंगे समय के साथ ही, अपडेट होगी, प्लानर अपडेट होता रहता है, पॉलिसी में संशोधन होते हैं, तो ये संशोधनीय है पहली चीज़। तो ये इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में डाल देता हूँ, संशोधन है, लेकिन संशोधन प्रक्रिया जटिल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि संशोधन प्रक्रिया डेली हो रही हो, एक तो ये सोचना है, क्योंकि आमतौर पर होता है कि हम प्लानर बनाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि इसमें अमेंडमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अमेंडमेंट करना पड़ता है, किया तो फिर निगेटिविटी आती है। इसलिए पहले से मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जब भी हो, आइए, आप ही का इंतजार था, बड़ी देर से मैं क्लास रोके खड़ा था, आप आएंगे तो फिर आगे चालू करूँगा, ठीक। प्लानर में संशोधन होते हैं, लेकिन ये जटिल प्रक्रिया होती है, कैसे जटिल बनाना है ये मैं बताऊंगा। तो संशोधन होते हैं परिस्थितियों के अनुसार, ठीक। दूसरी चीज प्लानर में क्या होती है, बताइए, और क्या क्या चीजें इसमें लेकर चल सकते हैं प्लानर में। पहला तो हो गया कि एक अमेंडमेंट होना है तो होना है। क्या क्या होता है आपके प्लानर में जो आप बनाते हैं, फिर क्या होता है उसके साथ। प्लानर जब भी बनाइए तुरंत लागू मत करिए, आप तुरंत लागू करते हैं अगले ही घंटे में, गलत तो नहीं बोल रहा मैं, बहुत बड़े अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं, तो इसको लागू तुरंत नहीं करना, पारित होने के बाद इसको एक डेट देनी है लागू करने की। जैसे आज मैं प्लानर लागू नहीं कराऊंगा आपका, आज तो बस पारित होने वाला है,
अमेंडमेंट बिल पारित होगा, फिर इसके बाद जो है आप लागू करिए गए पर्टिकुलर डेट से कि इस डेट से प्रभावी होगा। भारतीय संविधान बना जरूर 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी को, क्योंकि उसको लागू करने से पहले उसको प्रिपरेशन हो गई कि हाँ ठीक है अब हमारे पास नया संविधान आने वाला है। होता क्या, हमारे ब्रेन को तैयार करना पड़ता है कि हमारा दिमाग जो है अब एक नए प्लानर की तरफ जाना है, नए प्लानर की तरफ जाना है, नए प्लानर के लिए तरफ जाना है, तब जा करके इस पर फिर अप्लाई करना आप अच्छे से कर पाओगे, आपका ब्रेन तैयार हो जाता है पूरी तरीके से। लेकिन आप करते क्या हो, अभी बनाए अगले एक घंटे बाद लागू, फिर अगले एक घंटे तक वो ब्रेन नहीं तैयार हो पाता और वो फेल्योर होता है, टोटल फेल्योर हो जाता है। तो इसको तुरंत लागू नहीं करना है, इसको पोस्टपोन करके रखना है, एक डेट देनी है कि इस डेट से ये प्रभावी हो जाएगा। एक तो ये बना के चलिए, ठीक, समझ रहे हो ना मेरी बात को। जैसे आज मैं प्लानर बताऊँ तो कल से लागू नहीं होगा, ठीक है, परसों से लागू नहीं होगा, आप इसे 15 अगस्त से लागू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 15 अगस्त में काफ़ी टाइम है, बहुत अच्छा तिथि भी है, डेट भी है, अपने जन्मदिन से लागू कर सकते हो। अब जन्मदिन पता चला अगले साल जो है आगे आएगा 29 जुलाई को तो लागू करेंगे, ऐसा नहीं, कोई एक अपना बना लीजिए, अपना कोई भी डेट दे दीजिए कि भाई मान लो हो सकता है कि आपने डेट दे दी 1 अगस्त, अब 1 अगस्त मेरे लिए लाइफ चेंजिंग डे होगा कि मैं एक रेवोल्यूशन करने जा रहा हूँ अपने साथ, एक क्रांति करने जा रहा हूँ और उस क्रांति में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी मेरी लाइफ की। हो सकता है मेरी हैबिट इतनी गंदी है कि मेरा जगने का, सोने का, खाने पीने का कोई भी मोमेंट सही नहीं है, तो उसको मैं सही करूंगा। अब देखो प्लानर बनाते कैसे हैं, अब मैं प्लानर बनाने में पहले अपने बायो क्लॉक को चेक करते हैं कि बायो क्लॉक क्या चल रही है। बायो क्लॉक जानते कि नहीं जानते, जैविक घड़ी, आपके शरीर में एक घड़ी लगी हुई है, एक क्लॉक लगी हुई है, उस क्लॉक को पता चलता है, उस क्लॉक को पता चलता है कि कितने बजे पानी पीना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है, है ना, फ्रेश होने कितने टाइम जाना है, वो बायो क्लॉक को पता है, आपकी जैविक घड़ी को पता है, क्योंकि वो दिनचर्या को आपने बहुत समय तक रिपीट किया है। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हो। तो पहले अपनी जैविक घड़ी को पता करना होता है, क्योंकि हमेशा प्लानर जिनका भी फेल होता है वो अपने कभी भी बायो क्लॉक पे काम नहीं करते हैं। जो आपके शरीर के अंदर घड़ी लगी हुई है उस घड़ी का कभी आपने प्रयोग नहीं किया। तो पहला काम क्या करना है, अपने बायो क्लॉक को पढ़ना। तो पहले हम प्लानर को ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले वेकअप, ये क्या है आपका, ये एक बायो क्लॉक का हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो होता है, पहले तो होता है शुरू करना, दूसरा होता है बंद करना, ठीक है, यानी स्लीप। ये दो टाइम जो है आप अपने से पूछिए कि भाई आपने क्या टाइम निर्धारित कर रखे हैं, सोने का समय और जगने का समय, ये दो समय जो है आपके पास पता हो। इसको मैं रिचार्ज नाम देता हूँ, मैं कभी सोने को सोना नाम देता ही नहीं हूँ, इसको मैं बोलता हूँ रिचार्ज कर रहे हैं अपने शरीर को, बॉडी रिचार्ज हो रही, खाना खाया उस बॉडी का जितना भी सेक्शन है वो आपके बॉडी को रिचार्ज कर रहा है और सोने के बाद ब्रेन रिचार्ज हो रहा है, ठीक है, तो जगे और रिचार्ज, ठीक है। अब बताइए ये बायो क्लॉक के हिस्से आपके अब कैसे सेट होने चाहिए। आमतौर पे सब लोग कहते हैं कि भाई टाइम से जगना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम से, दरअसल जगना और सोना आपके दिनचर्या को कैसे बनाता है, आपकी दिनचर्या को जैसा आपका दिन बीतेगा वैसा बताता है। जैसे मान लीजिए आपको क्लास नहीं जाना, आपको घर पे ही रहना है, तो आपका सोना लेट भी हो सकता है, आप 8 बजे भी सो के उठ सकते हो, 9 बजे भी उठ सकते हो, 10 बजे भी उठ सकते हो जिस दिन आपकी छुट्टी है, क्योंकि उस दिन आपको पूरा दिन आपके काम नहीं है, आप उस काम को कुछ और तरीके से पूरा मॉडिफाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको 4 बजे ट्रेन पकड़नी हो तो आपका वेकअप क्या होगा, 3:30 होगा ना, 2:30-2 बजे आप उठोगे, उठ के तैयार होगे, उस दिन चेंज हो गया ना वेकअप। तो हमेशा आगे का वेकअप के आगे की इमरजेंसी ये बताती है कि आपका जगना और सोना कितने टाइम होना चाहिए, ये बताता है। और आज एक मैं आपको बहुत बड़ा हथियार देने वाला हूँ, यदि ये हथियार आपने ले लिया तो मेरे हिसाब से आपका बहुत बड़ा काम हो जाने वाला है, आपकी एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने वाला हूँ। आप एक काम कर लीजिए, आपको सोने और जगने में प्रॉब्लम हो रही है ना, दिक्कत हो रही है कि आप सही से सो नहीं पा रहे हैं, सही से जग नहीं पा रहे हैं, एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर लीजिए प्रॉपरली मेरे साथ, यदि आपने कर लिया तो काम हो गया। आप दोनों को लेकर मत चलिए, ना सोने को लेकर चलिए ना जगने को लेकर चलिए, आप एक को लेकर चलिए, चाहे सोना फिक्स कर लीजिए चाहे जगना फिक्स कर लीजिए, अपना एक चीज़ फिक्स कर लीजिए। और मुझे लगता है कि जगने वाले टाइम में, सोने वाले टाइम में हम होशो हवास में होते हैं, जब सो रहे होते हैं, जगने वाले टाइम में हम होश हवास में नहीं होते हैं, ये बात मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, इस टाइम पे हम होशो हवास में नहीं होते, इस समय हम होश हवास में होते हैं। जब जग सो रहे होते हैं तो हम पूरे
हमारा ब्रेन ओपन होता है, बिल्कुल आराम से काम कर रहा होता है। तो इस समय पे हम ज़्यादा अपने ब्रेन को स्ट्रेस, या इस समय तो इसमें आपको फिक्स करना है कि आपको क्या तय करना है, जल्दी जगना या जल्दी सोना, जो भी है अब आप तय कर लीजिए। या तो आप सोना फिक्स कर लीजिए या तो जगना फिक्स कर लीजिए। अब दिन की अर्जेंसी देखते हैं। अभी देखो मैंने कोई टाइम नहीं लिखा, ये देखो आप ही के आप प्लानर कितना इजीली बन जाएगा, क्योंकि मैं यही चीज़ लेके चलता हूँ। जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन मेरा वेकअप गलत हो, अलग फिक्स नहीं होता। संडे के दिन मेरी लाइफ स्टाइल अलग है, संडे के अलावा लाइफ स्टाइल अलग है, आमतौर पर यही होता है। अभी मुझे 7 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मेरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। अभी 7 दिन आपके क्लास ना हो, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने बोला है अमेंडमेंट होना चाहिए इसमें, अमेंडमेंट जरूरी है। यदि ये नहीं करोगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे। मेंटली रिजिड नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए इसमें। तो अब आगे का अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। देखिए अर्जेंसी क्या क्या है, पहले फिक्स टाइम देखते हैं जो आपको करने ही करने हैं। एक आपका टाइम है, ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी हैं वो भी क्लास करते हैं, तो क्लासेज हैं आपकी, क्लास हैं, ठीक है। ऑनलाइन वालों को भी ऐसे ही क्लास करना है क्योंकि वो भी उसी बैचेस से हैं, क्लास 1 क्लास 2, मान लीजिए 2 क्लास तो मिनिमम आपकी है। जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन कुछ अमेंडमेंट होगा, कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन मैं आज फिक्स कर दूंगा। ये 2 अर्जेंसी निकल के आए। और क्या हो सकता है अर्जेंसी में, कुछ बताइए जो बहुत ज़रूरी हो आपकी लाइफ के लिए। मुझे लगता है खाना खाना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एक तो डिनर का टाइम, रात वाला टाइम, ये बहुत ज़रूरी चीज़ मैं मानता हूँ। और लंच भी नहीं छोड़ते आप, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मान के चलते हैं। लंच ब्रेकफास्ट कोई मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती, लेकिन हम लिखते हैं अपने इसमें, किसी दिन किया तो सही, नहीं किया तो नहीं सही, लेकिन करना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। ये 3 चीज़ें ये भी इमरजेंसी में ही हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जगना, सोना, ये आप डेली कर रहे हो। आप ब्रेकफास्ट नाश्ता भी करते हैं, आप लंच भी करते हैं, आप डिनर भी करते हैं, चूँकि आप स्टूडेंट हैं, आपका प्रोफेशन है ये पढ़ना, तो आपको पढ़ना है। एक पहला स्टेप ये पढ़ाई का, दूसरा ये। अब ये कहीं भी पढ़ सकते हैं आप घर में किताब से पढ़ सकते हैं, आप क्लास में आके पढ़ सकते हैं, आप ट्यूशन में कुछ भी करके पढ़ सकते हैं। पढ़ने के 50 तरीके होते हैं, आपका तरीका क्लास है, ठीक है। चूंकि आप एक संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, तो आपका एक तरीका है। अभी और बताइए इमरजेंसी क्या है आपका। यदि ये आपने पढ़ा, मान लीजिए क्लास में पढ़ा, तो कहीं ना कहीं पे अब एक सेल्फ स्टडी का सेक्शन बना देते हैं। ये मान लीजिए चलिए क्लास पढ़ा या कुछ भी है, ये भी स्टडी ही रखते हैं इसको। रुक जाइए, माफ़ कीजिए, जो क्लास की जगह मैं स्टडी कर देता हूँ, स्टडी 1 स्टडी 2। अभी चलो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कराता आपसे, आप खुद बताइए। कोई भी व्यक्ति कल के दिन जॉब करोगे तो कितने घंटे काम करोगे, 8 घंटे। आज जॉब नहीं करते तो भी कितने घंटे काम करना चाहिए, 8 घंटे, कम से कम 8 घंटे आपको काम करना चाहिए। तो 8 घंटे कम से कम स्टडी का सेक्शन बनना चाहिए आपका मिनिमम। मिनिमम बनना चाहिए 8 घंटे, चूंकि आप जॉब भी करोगे तो 8 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, आप जॉब नहीं भी करोगे तो भी 8 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। बताइए मैं गलत तो नहीं हूं? मेरे हिसाब से एक जगह आपको और जोर देना चाहिए, शरीर के ऊपर, शरीर के लिए टाइम निकालना चाहिए, बॉडी के लिए। अब बॉडी के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि टाइम दिन में निकालिए, शाम को निकालिए, किसी भी चीज़ के लिए। ब्रेन के बहुत सारे हिस्से हैं आपके पास, आपका एक बड़ा हिस्सा जो आपको चलाता है वो है ब्रेन, मस्तिष्क। शरीर में दूसरा हिस्सा आपकी पूरी बॉडी, पूरी बॉडी में कभी कभी पेन होता होगा आपके, कभी कभी दर्द हो रहा है, आलस चढ़ रहा है, कभी कभी आपको बहुत सारी दिक्कत है, 50 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक आपको शरीर के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं शरीर को लेके। एक टाइम आपका फ्री स्लॉट होना चाहिए, जो भी है उसको मैं इस पे रखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चलो अभी इनका टाइम एक बार फिक्स करते हैं। इनका टाइम आप देखिएगा, बहुत इजीली आपका बन जाएगा प्लानर। सबसे पहले ब्रेकफास्ट का टाइम की जगह पे, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको करना ही करना है। चूँकि क्या करता है आदमी जो है, सुबह सुबह जगेगा, जगने के बाद जैसे 9 बजे जॉब में जाना है तो 8 बजे जगेगा, जल्दी जल्दी नहाएगा और नाश्ता भी नहीं करेगा, भाग जाएगा ट्रेन की तरफ या गाड़ी पकड़ेगा चला जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट होता है सिनेरियो, चूँकि आपने इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है। आप इनको और इनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, इनको और इनको इंपॉर्टेंस अभी भी नहीं दे रहे। आमतौर पर यही होता है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, यही कर रहे हैं ना हम लोग, है ना। हम लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं दे रहे किसी भी चीज़ को लेकर के। तो अब जो है क्या करना है, स्टडी टाइम, जैसे आप लोगों का क्लास का टाइम है, क्लास का टाइम आपका मान लीजिए मैं 9 बजे से चालू हो रहा है, 9 से 11 एक टाइम जा रहा है आपका क्लास का, ठीक है। तो एक टाइमिंग आपका ये निकल गया। दूसरा टाइम आपका निकल रहा है स्टडी का, वो हो सकता है 11:30 से लेकर के
डेढ़ बजे तक, एक टाइम ये निकल गया स्टडी का। तीसरा टाइम आपका हो सकता है, अब चूंकि इसके बाद जो है भूख लगे ही लगेगी जब आप इतना करेंगे काम, लंच का टाइम एक फिक्स होना चाहिए, तो लंच का टाइम मान लीजिए आपका एक घंटा लग जाता है लंच में, आराम से आप लंच कहीं पे इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो लंच का टाइम आपका ये निकल के आता है। और लंच के बाद मान लीजिए स्टडी का तीसरा स्लॉट है, आप कहिए कि यहाँ पे रेस्ट तो मैं दिन में सोना हराम मानता हूँ, दिन में सोना मुझे भी पसंद नहीं है ज़्यादा, मजबूरियाँ होती हैं कभी कभी सोना पड़ता है, और मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगा कि दिन में सोना नहीं चाहिए, आराम करना चाहिए, शरीर को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। यहाँ पे आपने खाना कहीं भी ऑफिस में भी काम करोगे तो यही टाइम मिलेगा आपको, ठीक है, दो से ढाई कहीं पे होता है, कहीं पे एक से डेढ़, जो भी टाइम हो ये टाइम मेरे ख्याल चलता है यही सिनेरियो लंच का। तो आपको भी इस लंच टाइम को गलत नहीं समझना चाहिए, ये भी आपका फिक्स है, इसी पे रेस्ट कर लीजिए, इसी पे खा लीजिए, आधे घंटे रेस्ट बहुत होता है, आराम से बैठ के सोच के थोड़ा सा सर झुका के आराम से सर को कैसे भी आराम दे सकते हो, लेकिन दे सकते हो आप। तो ये आपका हो गया, तीसरा टाइम आपका निकल के आता है, फिर से काम पे लग जाइए, आपका काम यही है पढ़ना है, तो फिर ये आपका तीन टाइम तो ये निकल गए, ठीक। तीन टाइम के बाद जो है चूंकि इतना काम करने के बाद, अब इसके बाद आपका मान लीजिए तीन स्लॉट हैं, तो एक स्लॉट बनाइए रेस्ट का। रेस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉडी रेस्ट, हर चीज़ को लेकर के, काम करना है, कपड़े धुलना है, 50 चीज़ें होती हैं। मैं कपड़े कभी नहीं कहता कि सप्ताह में एक बार धुलो, मैं तो कहता हूँ डेली के दो कपड़े निकल रहे हैं, डेली के दो धुल लो, डेली का डेली करो, कल का काम पेंडिंग करो ही नहीं, अपने पास ज़िंदगी में कोई काम पेंडिंग रहना ही नहीं चाहिए कि 7 दिन बाद आप प्लान कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप संडे का भी यूज करो ना किसी और तरीके से, स्टूडेंट लाइफ में आप हर दिन के काम को डेली करो, बस मैं ये चाहता हूँ। तो एक रेस्ट टाइम बना लो, इसमें कुछ भी कर सकते हो आप, गाने सुनो, सोना तो नहीं चाहिए आमतौर पे दिन में, क्योंकि सोने का मैं खिलाफत करता हूँ, लेकिन आपके ऊपर है, आप इस टाइम पे घूमने जा रहे हो, टहलने जा रहे हो, कुछ भी कर सकते हो। और मुझे लगता है थक जाता है स्टूडेंट, एक थकता है आमतौर पे, जैसे मेरे साथ रहता है, अभी मैं 7 दिनों से आपकी दिनचर्या फॉलो कर रहा था, तो यहाँ पे देखो मैं पढ़ा के जाता था, ये मेरे टाइम है, जैसे कि ये वाला टाइम पे मैं पढ़ाने आता था, ये टाइम पे मैं खुद पढ़ता था आप लोगों का, ये चूंकि मेरा क्लास का टाइम यहाँ था नहीं, तो ये टाइम मैं खुद पढ़ रहा था, ये टाइम आपका पढ़ाता था, पढ़ाने के बाद ये टाइम पे आपसे मिलता था, आप लोग लंच करने नहीं देते थे, जो करने जिस दिन हो जाता था मौका उस टाइम पे लंच हो जाता था, फिर मैं पढ़ने पे बैठ जाता था इस टाइम पे प्रॉपरली, और इसके बाद फिर रेस्ट टाइम आता, इसके बाद मैं निकल गया, या कभी कभी मैं होता था कि इससे पहले ही टाइम से निकल जाता, अभी भी अब ये तो शेड्यूल बहुत बढ़िया बन गया। रेस्ट का टाइम आप इसी बीच में कुछ भी निर्धारित कर लो, मेरे ख्याल से रेस्ट 1.5 घंटे बहुत होते हैं, आप यहाँ पे, आप यहाँ से घर जाओगे, कुछ भी करोगे चूंकि आपको, तो आपको कम से कम 1.5 घंटे का टाइम लगना ही लगना है, आधे घंटे में आप पहुँचे, 1 घंटे आराम किए, ठीक है। इसके बाद स्टडी 4, अगला टाइम निकल के आया आपका स्टडी का चौथा टाइम। अभी देखो इनको सबको मैं बताऊंगा कि इनको क्या क्या करना है, आपको इस चौथे में क्या करना है, पहले में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, बहुत इजीली आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। चौथे में अब आपका टाइम आपका चालू होता है 80, अब इसमें देखिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह जो कुछ भी खाना पीना है, शरीर को रिचार्ज करना है, सब कुछ कर सकते हो इस अवधि में, 1.5 घंटे की अवधि में आराम से, और बहुत हेल्दी खाना खाना है, खाना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी खा रहे हो, खाने पे भी स्टूडेंट लाइफ में बहुत नियंत्रण होना चाहिए आपका। यदि आप पता चला किसी दिन मेमोज खा के सो गए तो अगले दिन कुछ नहीं होना है आपका, मेमोजी बनेगा, ठीक है, उसके अगले दिन आपका क्या रिजल्टेंट देगी बॉडी, कुछ नहीं देगी, आपको बहुत हेल्दी खाना है, हेल्दी डाइट जिससे ब्रेन हल्का रहे, ब्रेन में किसी प्रकार की चिड़चिड़ाहट ना हो, तीखा ऐसी चीज़ें नहीं खा लेनी जिससे शरीर को इम्पैक्ट पहुँचे, बहुत सारी चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये बहुत ज़रूरी है अपने ध्यान रखना। इसके बाद हम जो है अगला टाइम टेबल टाइम निकाल के ला रहे हैं 2 घंटे का, 6 से 8 का, मेरे हिसाब से खाना टाइम से खा लेना चाहिए, तो 8 से 9 के बीच में आप खाना खा लीजिए। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी टाइम पे न्यूज़ भी आती है और न्यूज़ भी इसी समय आप सुन सकते हैं, खाना खाते खाते देख सकते हैं। आज के टाइम पे तो हैबिट हो गई कि बिना मोबाइल के लोगों के ना मुँह में खाना जाता है और बिना मोबाइल के बिना लोग टॉयलेट जाते हैं, लोग तो मोबाइल को टॉयलेट के अंदर भी लेके जाते हैं आज के टाइम पे, आज का जो समय सिनेरियो देखने को मिल रहा है, खाना खा रहे हैं वो पहले खाना चल रहा है, खाना इधर जा रहा है इधर जा रहा है, भगवान कहीं 2 छेद आगे दिए होते तो किधर जाता पता नहीं, नाक का थोड़ा बड़ा होता तो आधा तो खाना इधर से निकल जाता,
अब ये कि आइडिया लग गया है कि इधर ही जाना है, बिल्कुल सेंटर में है ये, तो इधर चला जाता है, क्योंकि लोगों का ध्यान नहीं है, लोग टीवी देख के खाना खा रहे हैं, मोबाइल देख के खाना खा रहे हैं 90% टाइम, तो ठीक है। अब चूंकि हमारे हैबिट में जुड़ चुका है, पहले टीवी नहीं थी तो लोग क्या देखते, एक दूसरे से इतने प्रेम संबंध भी नहीं होते थे, तो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, तो अपना पूरा फोकस खाना में ही रहता था। तो अब समय बदल गया, टेक्नोलॉजी आ गई, दुनिया भर की चीज़ें आ गई, पहले नहीं थी तो नहीं होता था, आज हैं तो हम कर रहे हैं, तो हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। आप इस समय पे न्यूज़ देख सकते हो, इस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हो, डिनर टाइम को, ठीक है, रात सभा टीवी की न्यूज़ आती है, लाइव चलती है, उसको आप देख सकते हो, या कुछ भी करंट अफेयर्स का सेक्शन यहाँ पे, इसे यूटिलाइज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। एफएम गोल्ड की भी न्यूज़ यहीं पे आती है 8:45, जैसे कि मेरे साथ होता है कि मैं 8 बजे खाना खाने के बाद आधे घंटे खाना खाया, मान लो खाना खाने में टाइम लगता, मैं तो बहुत धीमा खाना खाता हूँ, मैं इतना धीमा खाना खाता हूँ कि मेरे साथ बैठ जाओगे तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, हो सकता है आप 4 निपटा दो, मुझे 2-3 में मेरा पेट भर जाए, क्योंकि मैं बहुत धीमे बहुत टाइम लगता है चीज़ों को लेके। तो आधा घंटा कम से कम मान लो खाना खाने में लगा, तो 8:45 से एक न्यूज आती है, तो डेली का अपना शेड्यूल है कि न्यूज कान में लीड लगी, छत गए रूप में अपना घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, और न्यूज 15 मिनट में सुन ली, ठीक है। हाँ, 106.4 FM गोल्ड पे डेली आती है 8:45, तो उसका यूटिलाइज कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डिनर हो गया, इसके बाद ये इसी टाइम पीरियड पर थोड़ा सा छत में टहल लो, घूम लो, जो भी करना है, म्यूजिक सुन लो या न्यूज़ सुन लो, जो आपकी मर्जी हो, 1 घंटे का टाइम इनफ है, 1 घंटा लंच पे, 1 घंटा डिनर पे, ठीक। इसके बाद फिर लगो, फिर स्टडी स्लॉट फिर से आपका, ठीक है। स्टडी स्लॉट है आपका ये 21 से लेकर के 23 तक, 23 का मतलब 11 बजे रात तक, आमतौर पर इससे पहले आपको तो नींद नहीं आने वाली, ठीक है, मुझे भी नहीं आई थी, तो मैंने 11 बजे तक पढ़ना ज़्यादा वाकिफ समझा कि आप खाना खाने के बाद सोने से रहे, तो इस पर पढ़ना है, यही पढ़ाई आपको नींद में बदल देगी, पक्का नींद आएगी, ये ध्यान रखना 11 बजे के बाद यदि आप ये लेके चले। अब मेरे पास टाइम एक ऊपर है ये है, तो यदि ये मुझे 9 बजे यहाँ पे आना, तो यानी ब्रेकफास्ट मेरा कितने बजे हो जाएगा, 8 से 8:30 के बीच में मैं ब्रेकफास्ट करके फ्री हो जाऊँगा, ताकि मुझे आधा घंटा का टाइम रहे पहुँचने के लिए, क्लास में आराम से बैठने के लिए, सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। और ब्रेकफास्ट चूंकि मैं 8 से 8:30 के बीच करूंगा, तो इससे पहले फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, ये सारे काम करूंगा कि नहीं करूंगा, ठीक है। तो इस अवधि पे आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, मैंने कहता पैनिक में आप काम करो, तो 7 से 8 की अवधि तो आपकी ये लग जाएगी, मिनिमम 7 से 8 आप 1 घंटा ले लोगे आराम से, इस पर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से जो है बॉडी को पूरा रिचार्ज करो। इसके बाद अब आप यदि ये अवधि है, तो अब इसके पहले क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि 7 बजे सर सो ही के उठने दीजिए, है ना, मैं कहता हूँ 7 बजे नहीं सो के उठो, आप सो के उठो 6 बजे, वेकअप का प्लान है आपका 6 बजे का, 6 बजे सो के उठो, बहुत बढ़िया। क्यों गया, क्योंकि आप जो है यदि 11 बजे तक पढ़ के ख़त्म करोगे अपना काम, तो जहाँ तक मेरा अनुभव है कि आपको 11:30 से पहले नींद नहीं आएगी, आधा घंटा लग जाता है बॉडी को सोने से पहले, थोड़ा सा बॉडी के ऊपर काम भी करना चाहिए, कुछ चीज़ें करके सोनी चाहिए ताकि जल्दी नींद आ जाए, ठीक है। क्या है मैं बताऊंगा उस चीज़ों पे भी, बहुत बेसिक चीज़ें हैं लाइफ से जुड़ी हुई। तो आपका सोने का जगने का टाइम निकल के आया 6 बजे और सोने का टाइम निकल के आया 11:30 बजे, कितने घंटे का डिफरेंस है दोनों में, 6.5 घंटा इनफ होता है बॉडी के लिए, लोग 6 घंटे कहते हैं, मैं आधे घंटे एक्स्ट्रा देता हूँ, 6.5 घंटा बहुत अच्छी नींद लेकर के आराम से उठ जाओगे। यदि आप 11:30 बजे सो गए, तो 6.5 घंटा इस उम्र के लिए बहुत है, इससे ज़्यादा सोए तो आपका कुछ नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखिएगा, 6.5 घंटे से ज़्यादा जो सोता है उसका कुछ नहीं हो सकता दिन में, इसीलिए मैंने रेस्ट टाइम भी दिए हैं। एक रेस्ट टाइम देखिए आपके पास ये भी है, ऐसा नहीं कि आप पूरा दिन ये 2-1.5 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे मिल रहा है, लंच में 1/2 घंटे का टाइम आप निकाल लेंगे, डिनर में 1/2 घंटे का टाइम निकालेंगे, तो कितना रेस्ट हो गया, काफ़ी रेस्ट टाइम निकल गया। तो यहाँ पे जगने के बाद क्या करना चाहिए, जगने के बाद देखिए फ्रेश और बात का टाइम ये मैंने आपको दिया है, जगने के तुरंत बाद पढ़ने बैठ जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी मैं जो करता हूँ, मैं भी आपको यही सलाह दूंगा कि जगने के तुरंत बाद थोड़ा सा पानी पीजिए, ठंडा या गर्म हल्का गुनगुना पानी भी पी सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको मर्जी है, ठंडा आप चूंकि मुझे लगता है आज के टाइम पे जमाना पीना चाहिए गर्म पानी, हल्का गर्म, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा गर्म, बिल्कुल गुनगुना पानी पीना चाहिए सुबह सुबह, 1 ग्लास गुनगुना पानी पीने के बाद पढ़ाई में बैठ जानी चाहिए, यानी स्टडी का स्लॉट है कि यहाँ पे निकल के आएगा। इससे क्या होता है, दिमाग बिल्कुल शांत होता है सुबह सुबह, और आप बहुत अच्छे, बहुत कौन
बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। 45 मिनट तक का आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा वर्क करेगा। 45 मिनट से ज़्यादा मत पढ़ो। यही टाइम पे आप देखेंगे 6 बजे, यदि 6 बजे मतलब आप क्लॉक लगाओ, अलार्म किस तरीके से लगाना है। अलार्म को आप ऐसे सोचे कि 6 बजे का अलार्म लगा लेंगे जग जाएंगे, नहीं जग पाएंगे आप। 6 बजे का अलार्म लगाओगे तो बस उसको स्नूज करते 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 ले गया आपको, 8 बजा देगा वो आपका। अलार्म को और पहले से लगाओ, अलार्म को लगाओ 5 बजे से, 5 बजे से अलार्म लगा दो और लगातार 3-4 अलार्म लगाओ, क्योंकि आपका एक में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अलार्म नहीं लगाओगे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी अच्छी अभी आपकी शुरुआती हैबिट होगी कि आप बहुत जल्दी जग जाओगे। 5 बजे बजेगा, 5:15 पे बजेगा, 5:30 पे बजेगा, 5:45 में कहेगा तो उठ जा बेशरम, ठीक है। 5-6 बजे वो मतलब 6 बजे तक आपको जगा ही देगा, झकझोर करके आपको जगा देगा। 5 बजे से नींद खराब करना चालू करेगा आपकी, तब भी 5.5 घंटे की प्रॉपर नींद के बाद आप उठ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो इस समय तो 3 घंटे नींद नहीं हो पाती, 3 घंटे, लेकिन 3 घंटे में मैं बहुत काम करता हूँ। 3 घंटे सोने के बाद भी बॉडी जो है रिलैक्स रह रही है, काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम महसूस होती हैं, जैसे थकान सी लगती है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन तब भी आप काम कर सकते हो यदि आप अच्छे से सो लो, गहरी नींद सो लो। और इतनी मेहनत करने के बाद आप बढ़िया सोने वाले हो, ऐसा सोओगे जैसे कोई मजदूर सो रहा हो बिस्तर में। मजदूरों को देखा है कैसे सोते हैं, थकान करके दिन भर जो है बेचारे 4 खंड में ईंट चढ़ाते हैं, उतरते हैं, चढ़ाते उतरते हैं, रात में बिल्कुल ऐसे बिछ जाते हैं, ऐसा सोते हैं कि जैसे कुछ पता ही नहीं है। तो वो वाली नींद आनी चालू हो जाएगी आपको, बस आप ये प्रॉपरली। तो ये टाइम टेबल अपने आप ऑब्वियस सा, ये कोई मैंने कोई ऐसा, इसके बाद कुछ नहीं करना, आप फ्रेश होने नहीं जाइए, कुछ पानी पी के बस बैठना है। बीच में टॉयलेट वगैरह के लिए जा सकते हैं, 15 मिनट इनफ होता है। इसके बाद 7 बजे तक आराम से कुंडली मार के बैठ जाइए। 7 बजे तक आप उठने के बाद मुंह धुलिए, पानी पीजिए, फ्रेश सोइए, टॉयलेट वॉलेट करके आराम से बैठ जाइए। 45 मिनट का टाइम पीरियड आपका यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए स्लॉट में आपको कितना इजीली सारे अब डिस्कस कर देता हूँ। ये वाला जो टाइम आपका है, ये प्रीकम मेंस वाला टॉपिक पढ़ना है आपको। प्रीकम मेंस का टॉपिक है, संस्था में भी कुछ ऐसे ही डिजाइंड है, माफ़ कीजिएगा इसको ऐसा कर देते हैं, इसको ऑप्शनल कर देते हैं आपका, चूंकि इस समय ऑप्शनल चलता है संस्था का, ठीक है ना। ये टाइम में ऑप्शनल चलता है, आप इस समय ऑप्शनल पढ़ेंगे स्टडी 1 में। स्टडी 2 में प्रीकम मेंस का टॉपिक आप पढ़ेंगे। कहीं से भी पढ़ें, संस्था से पढ़ रहे हैं तो संस्था से पढ़ रहे हैं आप। स्टडी 3 में आप मेंस ओनली के टॉपिक को पढ़ेंगे। अब मेंस ओनली का टॉपिक क्या है, प्रीकम मेंस का टॉपिक क्या है, आपका ऑप्शनल क्या है, आपको सब पता है। तो आपके 3 तो निकल गए बड़े बड़े सेक्शन। स्लॉट 1 में आप ऑप्शनल पे जा चले गए, स्लॉट 2 पे आप प्रीकम मेंस में चले गए, स्लॉट 3 पे आप मेंस ओनली में चले गए। इजिली अब आपके 3 चीज़ें संभल गई, आपका प्रीकम मेंस का टॉपिक भी चलने लग गया। मैं अभी इनके टॉपिक लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। फिर मेंस ओनली के टॉपिक भी चले गए और आपका ऑप्शनल भी संभल, 3 एक दिन में 3 चीज़ें संभलने लग गई आपकी, 3 बड़े टॉपिक, ठीक है। अब इसके बाद 2 स्लॉट और आपके पास हैं, ये बड़े स्लॉट हैं, 2 बड़े स्लॉट। जो सबसे लास्ट वाला स्लॉट है डिनर के बाद का स्लॉट, ठीक है, ये रहेगा। ये आपका स्टडी 4 आपका है रिवीजन स्लॉट, आपको रिवीजन करना है, या रिवीजन की जगह मैं एक काम आपको देता हूँ। रिवीजन के लिए मैं आपको दूसरी टेक्निक बताता हूँ रिवीजन कैसे करते हैं, क्योंकि रिवीजन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसको रख दो करंट अफेयर स्लॉट, डेली दिन भर की करंट अफेयर्स जो भी जानकारी मिली आपको, चूंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका स्लॉट निकला है स्टडी 4 करंट अफेयर्स। कैसे करंट अफेयर्स के काम करना है आज मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, मैं आपको रिसोर्सेज और सारी चीज़ें बताऊंगा करंट अफेयर्स पे। तीसरा स्लॉट हो गया आपका करंट अफेयर्स, सारा कुछ आपने दिन भर का अपडेट करना है डेली बेसिस पे, पेंडिंग नहीं रखो इसको, करंट अफेयर्स को। मैगजीन इसी टाइम पे पढ़ लिया, जो मैगजीन आप पढ़ते हैं इसी टाइम पे, न्यूज़पेपर पढ़ लिया आप, देखो आप कहोगे सुबह का न्यूज़पेपर है, सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपके पास बहुत सारी व्यस्तता है। तो आप शाम को न्यूज़पेपर का टाइमिंग बना लो, शाम को न्यूज़पेपर पे वर्क करना है। क्या करना है, कितना करना है ये बताता हूँ मैं। इसके बाद जो है आपका स्लॉट 4 जो है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। देखो मैंने क्यों ये टाइम सब अलग अलग बनाया, ये टाइम पीरियड है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, ठीक। ये लास्ट वाला स्लॉट, अब देखो सब पे सेट करता हूँ बुक भी, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और सुबह का स्लॉट आपका NCERT बेसिक पढ़ने का है, सबसे कम दिमाग लेती हैं और बहुत अच्छे समझ में आएंगी। बस 45 मिनट के NCERT इनफ है, 45 मिनट आप NCERT, 2 घंटे ऑप्शनल एडवांस लेवल पे,
अब ऑप्शनल में भी एनसीईआरटी प्लस एडवांस दोनों बुक आप पढ़ोगे, यहाँ पे भी एनसीईआरटी और एडवांस दोनों पढ़ोगे, यहाँ पे भी एनसीईआरटी एडवांस दोनों पढ़ोगे, यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे होगे, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका घटना चक्र आता है, ठीक है, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का संकलन है, प्रीलिम्स का, और मेंस के क्वेश्चन पेपर आते हैं, यही आता है। इनफ, आपका काम कंप्लीट, आपका कोई भी चीज़ छूट नहीं रहा है, आपके पढ़ाई को लेकर के सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई चीज़ नहीं छूट रही है। और हर जगह पे आपको थोड़ा थोड़ा, देखिए यहाँ पे भी आधे घंटे का गैप है, ये संस्था में चुकी आप हैं तो ये चीज़ मिल रही है। बहुत लोग हैं जो ऑप्शनल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शनल नहीं कर रहे हैं, तो उनसे मेरा उम्मीद है कि जो अपना ऑप्शनल है उस पर काम करना अभी चालू कर दीजिए। आपका हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, आपका इकोनॉमी है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, आपका सोशोलॉजी है, आपका सोशल वर्क है, आपका डिफेंस है, जो भी ऑप्शनल है आप उसमें काम करना यहाँ पे चालू कर सकते हैं, अपने नोट्स पे काम करना चालू कर सकते हैं और वर्क करना चालू कर सकते हैं। सबसे बड़ा बड़ी मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी? सबसे बड़ी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। यदि थोड़ा सा भी यहाँ भी नहीं करनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा मेहनत आपको सोने में करना चाहिए। यदि टाइम से सो गए तो निश्चित तौर पे ये जगना ही जगना है आपको। 6 घंटे बाद बॉडी ऑटोमेटिक कहने लगती है कि बेटा उठ। अब 6 घंटे बाद इनफ बॉडी कहती है। वो लोग परेशान हैं जो 6 घंटे से कम सो रहे हैं और रेगुलर नहीं सो रहे हैं। रेगुलर 6 घंटे सोना चालू कर दीजिए, देखिए बॉडी कितना अच्छा रिस्पॉन्स करती है। आप रेगुलर बेस पर उसे 6 घंटे की नींद नहीं देते हैं, इस कारण से बॉडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत गंदी है। वो रिस्पॉन्स कहाँ से करे? आज बेचारी कुछ और लेके चलती है, कल की प्लानिंग आपकी कुछ और है, अगले दिन की प्लानिंग कुछ और है, उसके अगले दिन आपका भोजन ऐसा है कि उसको और नींद नहीं आ रही, वो डिस्टर्ब है, उसको नहीं पता चल रहा क्या बायो क्लॉक ये बनाने जा रहा मेरे साथ। यदि आप एक जो है यहाँ पे सोने पे काम कर लें, टाइम से सो जाएं, 11:30 बजे सोना है तो सोना, इसे फिक्स कर लीजिए, इसको बांट लीजिए गांठ एक कि मैं 11:30 बजे सोऊंगा, बाकी काम करूं चाहे ना करूं, बाकी मैं ये काम करूं चाहे ना करूं, लेकिन 11:30 बजे सो जरूर जाऊंगा, चाहे नींद आए चाहे ना आए, पलके खोल के सोऊंगा लेकिन सोऊंगा, ये बना लो। यदि ये बना लिया तो पूरा का पूरा ये सही हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये सही होने के बाद ये सब सही होना चालू हो जाएगा अपने आप पूरा दिन आपका, क्योंकि ये सब बंधा हुआ है ना, ये आपका बंधा हुआ है, ये आपका बंधा हुआ है, ये आपका बंधा हुआ है, फिर मुझे कुछ भी सही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको। और एक चीज़ और बताऊँ, जिस दिन आप 6 बजे जगने लग गए भाई, इसको टाइम से आप जगे तो इसके कारण ये प्रक्रिया होगी, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अल्टरनेटिव हैं। ऑटोमेटिक ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद 11:30 बजे धाराशाही हो जाओगे, ऐसा लगेगा कि ये युद्ध हार के आया है, गिर जाओगे मैदान से, ऐसा लगेगा बस अब तो सोने दो, किसी से कहोगे बस मुझे सोने दो, मेरा टाइम हो गया। एक समय बाद 10 से 15 दिन बाद जो है आप आराम से सोओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये टाइम टेबल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपके हिसाब से, अब देखो कितने, मैं अब घंटे के हिसाब से स्टडी कभी नहीं करता। अब भाई आप कहें मैंने यहाँ पे 2 घंटे निकाल लिए हैं तो 2 घंटे मैं स्टडी कर लूँगा, जरूरी नहीं है। 2 घंटे में मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर विचार भी कर सकता हूँ, मैं एक ही टॉपिक लेके जाऊँगा, एक ही टॉपिक पढ़ूंगा, उस पर विचार करूँगा, सोचूंगा, मल्टीपल सोर्स से पढ़ूंगा। मैं घंटे के हिसाब से नहीं आपको कह रहा कि घंटे के हिसाब से पढ़िए, लेकिन आपको निर्धारित तो करना पड़ेगा ना कि कौन विषय कितने बजे पढ़ना है, कितने टाइम पर पढ़ना है, नहीं तो बहुत अस्तव्यस्तता हो जाएगी। क्या प्लानिंग बनेगी आपकी? कोई प्लानिंग नहीं बनेगी। घंटे के हिसाब से मत पढ़िए, आप टॉपिक के हिसाब से पढ़िए कि आज एक टॉपिक यहाँ पे लेना है, अच्छे से करना है इसे, कल एक टॉपिक यहाँ पे लेना है, इसको अच्छे से करना है, फिर इस पर एक टॉपिक लेना है, अच्छे से करना है। टॉपिक के हिसाब से पढ़िए, ना कि घंटे के हिसाब से कि नहीं 1 घंटे मैंने युद्ध जीत लिया। ये गलती मत करिएगा, बार बार मैं आपको समझाना चाहूँगा। अब बताइए, इसमें आपको लग रहा हो कि कुछ संशोधन करने हैं तो संशोधन अप्लाइड है। संडे का दिन फ्री होगा, फ्री डे, नो स्टडी डे, फ्री डे पूरी तरीके से, नो स्टडी डे। पेंडिंग वर्क जो भी है वो कर सकते हो, आराम कर सकते हो, मूवी देख सकते हो, फेसबुक चला सकते हो, व्हाट्सएप चला सकते हो, घर वालों को फोन कर सकते हो, किसी के साथ घूमने जा सकते हो, कहीं टहलने घूमने जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। संडे आपका है, इसको आराम कीजिए, एंजॉय कीजिए। अंग्रेजों ने एक ही चीज़ अच्छी बनाई है, रविवार, तो रविवार का नो वर्क डे, कोई प्रेशर नहीं। सैटरडे की रात आराम से खूब आराम सोइए, लंबा सोइए उस दिन, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए दिमाग में एक भी संडे के दिन कि मुझे पढ़ना है कि मुझे क्या करना, नहीं 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 कुछ नहीं, आज तो कुछ नहीं आती यार, ये गांडीव छोड़ दिया अर्जुन ने,
आज तो युद्ध नहीं लड़ूंगा, महाभारत का युद्ध संडे के दिन ऑफ है, ठीक है, उस दिन नहीं महाभारत होगी। फिर कृष्ण कितना भी बोले कि नहीं नहीं बेटा, अपने मन का चलेगा, मन कह रहा है कि बेटा आज तुम्हें खाना है तो जेब पहले देखेगा तभी तो खाने की सोचेगा, तो जेब ठीक है तो खाने की सोचेगा। उसने कहा मूवी देखने जाना, चलो मूवी देखने, वो फिर जेब देखेगा, मूवी का विचार तभी आएगा जब जेब ठीक होगी, यदि जेब ठीक नहीं होगी वो विचार ही नहीं लाएगा, उस लेवल की सोच तो आपकी वैसे ही बनेगी ना। मकान मालिक सर पे खड़ा है थोड़ा ना आप मूवी देखने जाओगे, रुक जाओ मैं मूवी देखने आ रहा हूँ, वो तो मकान मालिक दिखेगा सपने में कि अगर आ रहा है अभी, फिर आ रहा है, फिर निकल गया, बगल से निकल गया, वो बगल वाले का किराया मांगने आ रहा हो लेकिन आपको खुद लगेगा मेरे पास आ गया सर, वो नहीं देखने देगा आपको मूवी। लेकिन आप उस दिन कुछ मत करो, रिलैक्स, इन्जॉय, घर वालों से बात करो अपने एक डेढ़ घंटे, उनकी प्रॉब्लम सुनो। अपना मत बताओ कि मैं बहुत बड़ी खूबी के करके छः दिन में आया हूँ, छः दिनों में ये कर लिया, अगले छः दिनों में ये करें, कुछ मत बताओ, उनकी प्रॉब्लम सुनो, उनको बैठ के सुनो क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सुनो बस, बहस मत करो, उसमें सलाह भी मत दो, कुछ मत करो, सिर्फ सुनो। फादर को सुनो थोड़ी देर, मदर को सुनो, उनकी मतलब ये बहुत ये इमोशनल पक्ष है आपका जिस पे आपको सुनना चाहिए। आज के टाइम पे सिर्फ आप सुन सकते हो, आप कुछ कर नहीं सकते, करने की अवस्था में आगे जाके करोगे, ठीक है। तो सबकी सुनो, सुनने के बाद बस ख़त्म, टाइम ओवर, संडे ख़त्म। संडे ख़त्म कब होता है? संडे ख़त्म हो जाता है 8 बजे से, 8 बजे PM से संडे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग चालू हो जाती है कि फिर अब मंडे आ रहा है, इसको चालू करना है। 8 बजे के बाद जिसको गुरूर चढ़ा रहे 12 बजे तक, तो वो संडे के बाद मंडे भी खराब करेगा। 8 बजे के बाद अपना संडे ख़त्म कर देना चाहिए। और संडे शुरू कब होता है? संडे शुरू होता है 11:30 बजे से, सोने वाले टाइम से चालू होता है। आप स्टडी टाइम से ना संडे चालू कर दीजिएगा कि सैटरडे वाले नहीं, यहाँ तक आपको काम करना है, अगले सैटरडे के 11:30 बजे से आपका संडे चालू हो जाएगा। फिर जो करिए, रात भर उधम करिए, नाचिए गाइए, जो करना है खूब चलाइए। फेसबुक व्हाट्सअप मैं मना नहीं करता, कभी भी सब चलाना चाहिए, सब बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, खूब चलाइए। कोई चीज़ बॉडी को बाउंडेड बाउंड करके मत रखिए। और फिर देखिए आप एक दिन का रिलैक्समेंट, दिल्ली घूमिए, सबसे बढ़िया तो आपका यह, दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें, आप पूरे भारत की राजधानी म्यूजियम जाइए, बहुत सारे म्यूजियम है यहाँ पे, दिल्ली टहल घुमाइए, अकेले निकलिए, भीड़ के साथ मत जाइए, अकेले जाइए दिल्ली, आराम से पैदल आप दिल्ली घूम रहे हैं, मंत्रालयों को देख रहे हैं, चाणक्यपुरी में एम्बेसीज देख रहे हैं, कितना अच्छा अलग अनुभव है। राजपथ पे घूम रहे हैं, प्रेसिडेंट हाउस के बाहर बैठे हैं, संसद भवन के बाहर बैठे हैं झरने पे, तो वो सब चीज़ें जो है ना, वो थोड़ी देर वो एनर्जी देती हैं आपको, बूस्टअप लाती हैं आपके अंदर कि आके मुझे काम करना है कभी देश के लिए इन संस्थाओं पे, यहाँ भी शायद ईश्वर करे बुलाए कभी, वो सब चीज़ें एनर्जी और एनर्जेटिक कर देंगी। तो आपके ऊपर है, आप चूंकि इतना बढ़िया मौका मिला है, इस मौके को आप गंवाइए मत, इसको यूज करिए। और अगले के 6 दिन तैयार हो जाइए कि अगले के 6 दिन 8 बजे के बाद कि भाई 6 दिन इस बार का मेरा रिजल्ट रिकॉर्ड तोड़ना है, पिछली बार से जो पिछली बार की गलतियां थी अब मैं अगले दिन नहीं दोहराऊंगा, पूरा माइंड मेकिंग करके बैठिए। तो आपका क्या मोटा मोटी निकल के आया कंक्लूजन? ये पूरी दिनचर्या, ये प्लानर जो आपका वर्क करेगा मंडे टू संडे करेगा, माफ कीजिएगा सैटरडे करेगा, संडे का प्लानर नहीं है कुछ भी, संडे दिमाग जो चाहेगा, ये राजा है, एक दिन राजा के हिसाब से, ठीक है, सबसे ऊपर बैठाया गया है, ब्रेन भगवान ने मनुष्य को सबसे ऊपर दिया है, सबसे ऊपर इसको रख दिया, तो राजा के हिसाब से चलेगा, राजा कहेगा आज ये करना है तो वो होगा, राजा कहेगा आज नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, राजा के मन का, राजा कह रहा पढ़ना है तो कुछ नॉवेल पढ़ना है, बाकी दिन राजा सही से चलेगा, राजा के चक्कर में अगले दिन बर्बाद नहीं करना, राजा को फिर समझा दो कि देखो बेटा सारा रेवेन्यू यहीं से आ रहा है, यदि ये रेवेन्यू को यूज़ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारी राजागिरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगला टाइम फिर ये वो अच्छे से फोकस करेगा, आपका ब्रेन देखेगा कितना अच्छा वर्क करेगा। अब यहाँ पे आप कोशिश करिएगा अपनी डाइट सही रखिएगा, प्रॉपरली डाइट बहुत अच्छी रखिए। डाइट मुझे पता है बाहर रहने वाले बच्चों के साथ बहुत दिक्कतें हैं, मैं भी चूंकि बाहर रहा हूँ तो किस स्तर की डाइट में जीना पड़ता है कि पूछिए मत। किसी दिन छोले भटूरे ही मिल गए, भटूरे में छोले में कितना तेल मिला है आपको नहीं पता, वो भटूरे वाले को पता है, और तेल आपके अंदर गया कैसा तेल उसने लगाया है वो भी आपको नहीं पता, और वो अंदर जाने के बाद बॉडी में काम करना शुरू करता है, लोग बीमार हो जाते हैं, कोटा वगैरह में यहाँ पे बड़े से कोटा मुखिया जॉन्डिस के शिकार हो जाते हैं बच्चे, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं इस अवधि में,
तो अब ये आपको काम करना है कि आपको भोजन के लिए पहले तीन चार काम हो सकते हैं। पहला काम आपको खुद नहीं बनाना है, खुद नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो टाइम आपको कहीं पे मिल नहीं रहा होगा खुद बनाने का। मैं तो सलाह यही दूंगा कि खुद मत बनाइए खाने को। खाने में भाई खर्चा हो रहा है, मुझे लगता है 3,000-4,000 खर्चा हो जाता है मोटा मोटी, ठीक है। अब बहुत बेसिक इशू पे बात कर रहे हैं ये वैसे मुझे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। 3-4 हज़ार रुपये खर्चा हो ही जाता है, चाहे आप खुद बनाइए चाहे बाहर से खाइए। बाहर में आसपास देख सकते हैं कोई ठीक ठाक होटल हो तो आप खा सकते हो, ठीक है। एक हो सकता है कि प्रॉपर होटल, लेकिन होटल में भी चार्ज इतना ठीक हो। डेली नहीं, संडे को खुद बनाइए। संडे में कुकिंग करूँगा, अपना खाऊंगा पूरा का पूरा। इस दिन फ्रूट्स ले आऊँगा, ये जो उस दिन का जितना पैसा होगा मैं अपने हिसाब से खर्च करूँगा, ठीक है। संडे के दिन आपके पास पूरा टाइम है, आप बना के खाइए, जैसा खाना हो, जो खाना पीना हो आपको वो खाइए। खाने में आपको बहुत इजी चीज़ें बताता हूँ। ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं करना है, बस राइट मिल्क आता है आपका, दूध आता है, दूध और ब्रेड ले लीजिए, ठीक है। ब्रेड में भी ब्राउन ब्रेड लीजिएगा, वाइट वाला ब्रेड मत लीजिएगा। ब्राउन ब्रेड आता है गेहूं का होता है, उसे लीजिएगा। मैदे का ब्रेड नहीं लीजिएगा, मैदा से जो बनता है सफ़ेद वाला ब्रेड वो मत खाइए, ब्राउन ब्रेड ले लीजिए। बटर आता है, ठीक है, बटर पीनट बटर आता है, बटर मत लीजिए, पीनट बटर लीजिए, उसका यूज करिए। थोड़ा सा बटर लगा लिया, उसमें जैम लगा लिया, ठीक है, और मिल्क दूध पी लिया, ब्रेड खा लिया। बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है बनाने में या कुछ करने में। एक गिलास में डाला, ब्रेड लिया, खा लिया, बस यही तो करना है। उसमें जैम लगाया, उसमें क्या है कि आपको घंटे टाइम ख़राब करना है, इतना नहीं कर सकते आप। एक पैकेट दूध और ये ब्रेड नहीं ला सकते। अच्छा भोजन है, आपके बॉडी में जाएगा तो आपको बहुत सारे पोषक तत्व देगा। ब्राउन ब्रेड में बहुत कैलोरी होती है, पीनट बटर आपके बॉडी में जितना भी फैटी है और कार्बोहाइड्रेट दोनों आपको देने वाला है। सुबह सुबह बादाम फुला दीजिए, एक पैकेट बादाम रखिए, दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है बादाम और अखरोट, ये दो चीज़ें यदि आप ले लें। अब आप कहेंगे बहुत कॉस्टली बना दे रहे हैं, कॉस्टली नहीं है, सस्ते में है चीज़ें, क्योंकि आप वो पैसा कहीं और बिना मतलब का व्यर्थ कर रहे हैं। वो पैसा से आपका पूरा ब्रेन काम करने वाला है, पूरे ब्रेन पे वर्क होने वाला है ये जो आप पूरी मेहनत कर रहे हैं। अखरोट एक पैकेट ले लीजिए, 1 kg 700-800 रुपए के आते होंगे, मैं मानता हूँ महंगा थोड़ा सा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कम खाइएगा। गिन लीजिएगा 30 दिन के हिसाब से, एक दिन में कितना पैकेट में कितना निकल रहा है 1 kg में, उस हिसाब से 2 अखरोट ही खाइए। लेकिन अखरोट को लीजिए, कब लेना है ये बता रहा हूँ। सुबह सुबह आप आराम से जब उठिए, उठने के बाद थोड़ा सा 1 गिलास पानी पीजिए गुनगुना, पानी पीने के बाद आराम से बैठ जाइए अपनी पढ़ाई में, 45 मिनट पक्का पढ़िए, क्योंकि इस समय दिमाग सबसे शांत होता है, इस समय की पढ़ाई सबसे फ्रूटफुल होती है। इसके बाद जैसे ही पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि आज सुबह सुबह उठते ही मैंने पढ़ लिया, दिमाग में एक सही ऊर्जा आ जाएगी आपके दिमाग में। इसके बाद तब तक आपका प्रेशर बन जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो गतिविधियों को करना शुरू कर दीजिए। 1 घंटे में नहाइए, दिमाग को बिल्कुल स्वस्थ कीजिए, ठीक है। पानी पीने के बाद आप पानी को बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, हर तरीके से। तो आप 1 घंटे में को फिट हो जाएंगे, 1 घंटे में आराम से जाइए ये सब करके प्रतिक्रिया। फिर ब्रेकफास्ट में आपको जो मैंने बताया बहुत सिंपल आसान, यदि आप अंडे खाते हो तो और अच्छा है, अंडे खाते हैं, यदि अंडे खाते हो तो अंडे को कच्चे अंडे पी सकते हैं। अब कहेंगे मतलब एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी बता रहा हूँ, मैं अपना बताता हूँ। मैं जब मुखर्जी नगर में था तो मैं कच्चे अंडे ही पी के जाता था, सुबह सुबह होता था, टाइम से क्लास नहीं होती, टाइम से भागना होता था क्लास में, तो सबसे आसान लगता था मुझे पीने, मतलब मैं तुरंत पलटी कर दूँ, वो वाला आदमी हूँ। लेकिन 6 अंडे मैं डाल के किसी तरीके से नाक बंद करके थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन मुझे एनर्जी चाहिए थी, मुझे ये नहीं चाहिए था कि ये है, और मुझे सबसे लिक्विड सोर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक वो लग रहा था। अब जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए दिक्कत है, बहुत बुरा हाल होता है, अंडा पीना अपने आप में बहुत, उसमें एक ऐसी गैस होती है जो आपके शरीर का पूरा मटेरियल बाहर निकलवा सकती है, लेकिन करना पड़ता है, नाक बंद करके नमक डाल के उसमें कभी कभी, और मैं कुछ करता था उसमें, कुछ डालता था ताकि उसकी थोड़ा सा वो दिक्कत, हाँ उसको डाल के उसमें बॉयल में डाल के थोड़ी देर छोड़ दो तो उसकी गैस निकल जाती है। थोड़ी देर का मतलब होता है 5-10 मिनट, नहीं थोड़ी देर ज़्यादा छोड़े तो कोई और खा जाएगा आपका अंडा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत लोग तैयार होते हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा गिर गया, कुछ हो गया, उसको तुरंत पी जाओ, पूरी बॉडी को रिचार्ज कर देगा। जो लोग अंडे नहीं खाते वो लोग आराम से बढ़िया दूध ब्रेड ये सारी चीज़ें बनाना, बहुत बेस्ट चीज़ है, सबसे आसान फल, खोला खाया। ये नहीं कि पता चला आपने वो अनार लेके बैठे हुए हैं, एक एक दाना निकाल रहे हैं उसका, आधा दाना शर्ट में इसमें, वो सब काम नहीं है हमारा। वो माता जी अनार छील के दे दें तो ठीक है, अनार नहीं खा सकते आप, अनार बहुत स्टूडेंट लाइफ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है।
मैं सलाह नहीं देता हूँ, सेब खा सकते हो, सेब इजी है। आ रहे हो कोचिंग, एक सेब ले लिया, खाते खाते आ गए रास्ते में, अपना दिमाग भी हो गया। पनीर ले लिया मार्केट से, 20-30 रुपए की पनीर ले लो, बढ़िया पनीर के 4 स्लाइस हैं, खाया बढ़िया आराम से, फिट बॉडी। बहुत चीज़ें हो सकती हैं, देखो 500 चीज़ें हैं, जल्दबाजी में आप ये चीज़ें करते हुए आ सकते हो, कर सकते हो। आपको बॉडी को कुछ नहीं चाहिए, आपके बॉडी को प्रॉपर डाइट में पोषक तत्व चाहिए, उसे प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वसा चाहिए, यही चीज़ें तो चाहिए, और क्या चाहिए, विटामिन चाहिए। कच्ची पालक खा लो, कच्ची पालक में बहुत बेस्ट आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। आपके बॉडी में खून की कमी यदि है, आपको लगता है कि बॉडी कभी कभी होता है ना शून्य हो जाता, थोड़ा सा इसको हाथ को खड़ा करिए, ब्लड ही नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन आपका डिस्टर्ब है, पालक खाइए, विटामिन ए भी मिलती है और चीज़ें भी मिलती हैं। मौसमी फल फ्रूट कुछ भी, मतलब इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करिए जो आपके ब्रेन को अच्छा बना दें, आप एनर्जेटिक बन जाएं। ये नहीं कि ब्रेन को डल करने वाली चीज़ें खा रहे हैं आप। फल तो ऐसी चीज़ है, फल में क्या नहीं होता, सब कुछ होता है, ठीक है। बढ़िया से बादाम सुबह रात में भिंगो के रख दिए, यहाँ गुनगुना पानी पीकर, पीने के बाद पढ़े, पढ़ने के बाद ब्रेकफास्ट में 4 बादाम खाए, ठीक है। 4 बादाम खाने के साथ साथ दूध, एक गिलास दूध, ठीक है, एक ही गिलास पीजिए। एक आधे लीटर का पैकेट डेली पीने लग गए तो 23-24 रुपये लगेंगे, आप उसको 2 बार यूज कर सकते हैं आधे लीटर का। अब कैसे 2 बार यूज करेंगे, या तो छोटा और पैकेट आता है वो लेकर आइए, या आधे लीटर का आइए, उसको किसी तरीके से गर्म करके रख लीजिए, वो कर लीजिए, नहीं तो आप फिर खर्चा बढ़ा देंगे, एक गिलास बहुत होता है, ठीक है। ब्रेड, ब्राउन ब्रेड सस्ता आता है, ब्राउन ब्रेड ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 30 रुपये का पैकेट आता है और वो चलेगा 4 दिन कम से कम, जल्दी मत खा लीजिए, 4 और 4 स्लाइस गायब, वो सब नहीं, मेहनत फिर ये लंच डिनर पर ज़्यादा करना है। ब्रेकफास्ट को बहुत महंगा मत बना देना, पाजा मज़ा आ गया इसी को ख़त्म कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिक्स करना है, कुछ ऐसी चीज़ें खाइए जो ब्रेन को आपको एक्टिव बना दें, ऐसा ना हो कि ब्रेन उसको, जैसे कि सुबह फ्रूट खाने से ब्रेन बहुत एक्टिव हो जाता है, आप केले खा लीजिए, 2 बादाम खा लीजिए, थोड़ा सा स्प्राउट, स्प्राउट में मतलब मूंगफली के दाने होते हैं उनको फुला लीजिए, चने फुला लीजिए, मूंग की दाल फुला लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा होता है, सुबह बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा डालिए, थोड़ा सा खाइए, बॉडी के अंदर बिल्कुल ब्रेन एक्टिव कर देगा और सारे पोषक तत्व भी आपको मिल जाएंगे। दालों में बहुत रिच मात्रा में प्रोटीन होती है, चने में बहुत प्रोटीन है, मूंगफली में बहुत प्रोटीन है, सोयाबीन ले सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अपनी डाइट को ऐसे मैनेज करना चाहिए इस टाइम पे। इसके बाद पढ़ाई किए, रेस्ट किए, इस रेस्ट टाइम पे पानी ही पीजिए, ज़्यादा मत कुछ खाइए, यहाँ पे नहीं कि पता चला यहाँ भी मुँह चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पानी पिया, नॉर्मली पानी पीने के बाद फिर बैठ गए, क्योंकि आपको लंच के लिए तैयार होना है बॉडी को, ठीक। पानी प्रॉपर पीजिए, पानी में कोई कमी मत छोड़िए, बॉडी के अंदर 7 से 8 लीटर पानी डेली जाना चाहिए, फिर देखिए बॉडी और कितना अच्छे से काम करती है, स्वेटिंग हो, पसीना निकले, पानी नहीं पीते, 2 लीटर पानी आप नहीं पीते हो, बताओ, आपको कम से कम 12 ग्लास पानी पीना चाहिए मिनिमम। एक ग्लास मान लीजिए कैपेसिटी रखता है 250 ग्राम की, 250 ml की, तो भी आपका 12 ग्लास में कितना ml हो जाएगा, 3 लीटर, बताओ, मैं तो 7 से 8 लीटर बोल गया फ्लो में, 6 लीटर मिनिमम होना चाहिए, 3 लीटर तो मतलब पीना ही पीना है, उससे कम पी रहे हो तो डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाओगे। लेकिन ये है कि हाँ, पानी पीने के बाद एक दूसरी पीड़ा आपको सताएगी, लेकिन वो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, वो बॉडी को पूरा क्या करेगी, देखो पानी क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी की हीट को निकाल के बाहर निकालता है, तो बॉडी की हीट निकाल लेगा, गर्मी, मशीन जब गर्म हो जाती है, गाड़ी चलते चलते उसमें पानी डालते थे, जनरेटर जब गर्म हो जाता चलते थे पानी डालते हैं, तो पानी डालिए अपने बॉडी के अंदर बीच बीच में, इस बीच में अवधि में 3-4 काम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते दिमाग, जैसे घर में पढ़ रहे हो आप, घर में एक फिक्स कमरे में पढ़ रहे हो, पता है यहाँ पे बाहर क्या करते हैं, बालकनी को उठा दिए, है ना, गैलरी को उठा दिए किराए में, छोटा सा कमरा है उसमें कबूतर नहीं रह सकती, वहाँ पे उठा दिए, तो बच्चे ऐसी कंडीशंस में रहते हैं, तो यहाँ पे एयरी कमरे नहीं मिलते हैं, हवादार नहीं मिलते हैं, तो क्या होता है कि बहुत बार ब्रेन डल आपका इस कारण से होता है, क्योंकि उस कमरे के अंदर का जो ऑक्सीजन है उसको आप कंज्यूम कर चुके हैं, अब आपका वहाँ पे कार्बन डाइहाइड्रेट, ये आप कार्बन डाइऑक्साइड ले छोड़ रहे हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना बार बार, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि आप उस टाइम पे बाहर जाके, छत में जाके, कहीं भी जाके, पढ़ने के बाद जब आपका टाइम फ्री मिले, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, पानी से भी ऑक्सीजन मिलती है, डीप ब्रीदिंग करेंगे तो उससे भी ऑक्सीजन आपको जल्दी मिलेगी और ब्रेन आपका फिर एक्टिव हो जाएगा। ब्रेन को एक्टिव करने के तरीके हैं, तो आप इस अवधि का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, समझ रहे हैं मेरी बात को।
नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? इसके बाद इस अवधि के बाद बढ़िया आराम से तैयार हो गए, लंच आपका रेडी, पहले से प्लान होना चाहिए कि आज खाना क्या है। ये 7 दिनों का मेनू कार्ड आपके पास होना चाहिए यदि आप स्टूडेंट लाइफ में। भाई आपके यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपकी मैडम है वो प्लान करेंगी कि आज सर को क्या भेजना है ना, ना आपकी माता जी बैठी हैं कि वो आपको प्लान करेंगी कि आज आपको क्या खिलाना है, आपको खुद प्लान करना है। आप स्टूडेंट हैं, बाहर रह रहे हैं, तो आपको क्या खाना है ये पहले प्लान कर लीजिए। संडे के दिन बना लीजिए, भाई इस दिन मैं ये खाऊंगा, इस दिन ये खाऊंगा, और ऐसी चीज़ ना हो कि आसमान की तारे खाऊंगा मैं, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। इजिली वहाँ पर उस क्षेत्र में लोकल एरिया में उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। ये भी कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो, जहाँ आप होटल में खाना खाओ कुछ कहो, उसे 6 दिन का एडवांस भी दे सकते हो, भाई 6 दिन का खाना मैं आपके यहाँ पे खाऊंगा, फिक्स होना चाहिए मेरा 6 दिन, नहीं गड़बड़ाना चाहिए। संडे को फिर सोचूंगा कि अगले 6 दिन क्या करना है मुझे, तो 6 दिन उससे बात कर लो कि इतने बजे मेरा ये रेडी मिलना चाहिए भैया। घर पे कुक लगी हो तो वो खाना आपको प्रॉपर टाइम से बना के जा रही हो वो बेस्ट है, ठीक है। खुद मत बनाना, बता रहा हूँ, थोड़े से चक्कर में 1000-2000 बचाने के चक्कर में आप बहुत बड़ा टाइम खराब कर दो, क्योंकि खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, कितने घंटे लगते हैं पता है आपको? 4 घंटे खराब होते हैं नॉर्मली। अरे आधे घंटे पता है मुझे, आधे घंटे में सब्जी आप ही काटती हैं, हैं है ना, आप ही रोटी बनाती हैं खाना, क्योंकि मैं अभी बनाता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। 4 घंटे आप बर्तन आप ही धुलती हैं, तो कैसे कैसे होता है? अरे कुछ नहीं होता, आप चाहे जितना फास्ट काम करें, आधे घंटे झूठ है। अब देखो 1 घंटे आ चुके हैं, 45 मिनट आ चुके हैं, मैं बता रहा हूँ 2 घंटे खाना बनाने के बाद आराम भी चाहिए, शरीर थक चुका है, उसके बाद शरीर थका नहीं है क्या, उस टाइम को नहीं जोड़ोगे क्या? खाना बनाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए बॉडी को, वो आराम करता है कि अरे मैंने खाना बना के अभी बैठे हूँ, वो सब टाइम भी तो आपका गया ना, उसको भी तो जोड़िए। 2 घंटे खराब होते हैं मिनिमम। मैंने भी एक टाइम ट्राई किया था कि खाना मैं खुद बनाऊंगा, लेकिन फिर मैंने हाथ जोड़ लिया कि भाई साहब बाहर ठीक है, थोड़ा सा शरीर खराब ही होगा चलेगा, या फिर कोई आके कुक बना के जाएगी वो चलेगा, लेकिन अपने से नहीं हो पाएगा क्योंकि अपना टाइम वेस्ट हो रहा है किसी और चीज़ में। खाना आप तय कर सकते हो, बहुत चीज़ें आज के टाइम में तो कितने प्लेटफॉर्म है, स्विगी है, जोमेटो है, दुनिया भर की चीज़ें, बैठे बैठे आपके पास भोजन आ जाएगा, डिनर तो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो ये अच्छा होना चाहिए पहली चीज़, ये अच्छे रिच मात्रा में सलाद होना चाहिए यहाँ पे, सलाद की उससे कह दो भाई 2 खीरे बढ़ा देना, पैसे बढ़ा देना आप, लेकिन एक चीज़ें जो है सलाद में इसमें रिच मात्रा में दाल होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, एक दाल एक सब्जी कम से कम हो, दाल में भी मतलब प्रोटीन है, सब चीज़ें पूरे पोषक तत्व तो चाहिए आपके बॉडी को, ठीक है। 4 रोटी, चावल मत खाओ, चावल न्यूनतम खाओ यदि खाना है, नहीं तो कम खाओ। मैं नहीं कह रहा कि चावल में फैट होता है, रोटी में भी फैट होता है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कम खाओ, चावल कम खाना चाहिए। चावल खाना भी है तो मैं स्टूडेंट को बताता हूँ, एक ब्राउन राइस आता है, ब्राउन राइस आपको खाना चाहिए, रिच मात्रा में प्रोटीन होती है। अब लेकिन वो थोड़ा ना बना के देगा आपको, लेकिन खा सकते हो, थोड़ा खा सकते हो, एक छोटी सी कप प्लेट में खा, ऐसा नहीं कि पता चला ढेर लगाए ऊपर से दाल डाले पूरा पहाड़ बना के फिर उसको तोड़ रहे हैं मांझी बन के, है ना, दशरथ मांझी बन के पहाड़ तोड़ने में लगे हैं आप, पूरा चट कर गए, ऐसा नहीं, वो फिर आपको अच्छी नींद देगा, गहरी अच्छी गहरी नींद, क्योंकि अभी आपको काम करना है, अभी आपके 2 स्लॉट हैं बढ़िया से। आप लंच में इतना मत कर दीजिएगा कि बबॉडी ओवरडोज हो जाए, मिनिमम यदि 4 रोटी की जगह है तो 3 ही खाइए, थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए उसके लिए, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर ये आपको डिसाइड करना है कि आपको खाना क्या है, ठीक। इसके बाद जो है 6 दिन का प्लान करिए, संडे के दिन प्लान कर लीजिए खाने का कम से कम, कि खाना करना क्या मुझे 6 दिन तक, और कहाँ से खाना है, क्या सोर्स होंगे, 6 दिन तक मैं कैसे भी करके जुगाड़ करूँगा ये भी मुझे फिक्स करना है। फिर अगला स्टडी आपका है, इसमें आप मेंस ओनली का टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें प्री कम मेंस में देखो कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये सब मैं बहुत बार बता चुका हूँ। हिस्ट्री प्री कम मेंस में, यानी प्री और मेंस दोनों में आती है, पॉलिटी प्री और मेंस दोनों में आता है, इकोनॉमी प्री और मेंस दोनों में आता है, ज्योग्राफी प्री और मेंस दोनों में आता है। तो जो जो टॉपिक प्री और मेंस दोनों में आते हैं वो प्री कम मेंस का टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ना है, एक उठा लो उसको पहले अच्छे से कंप्लीट कर लो, फिर दूसरे, जैसे अभी यहाँ हिस्ट्री चल रहा है हिस्ट्री चलने दो, अब आधुनिक भारत आप भी उठा लो, उसकी NCERT उठा लो, उसके एडवांस बुक उठा लो, मेरे साथ लेके बैठना चाहिए तो आप लोगों को, तो लेकिन आप लोगों को मैं देखता नहीं हूँ बहुत सारे लोगों को। इसके बाद दूसरा मेंस ओनली में, मेंस ओनली में आपका इथिक्स आता है, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, जो टॉपिक केवल मेंस में आते हैं पीटी में नहीं पूछे जाते उनको मैंने मेंस ओनली में डाला है कि मेंस ओनली के टॉपिक हैं। तो यहाँ पे ये चल रहा है आपका दूसरा, एक मेंस ओनली के टॉपिक भी और प्री कम मेंस के टॉपिक भी दोनों,
प्रीकम्बेंस मैंने इसलिए डिजाइन किया, बहुत जगह प्रीकम्बेंस में, वैसे प्रीकम्बेंस में तो ये दोनों आते हैं कि प्री और मेंस दोनों कंबाइंड, लेकिन यहाँ पे कंबाइंड मेंस है, प्रीलिम्स और कंबाइंड, कंप्लीट मेंस नहीं है, कंप्लीट मेंस है, मेंस ओनली और इन दोनों को मिला के बनेगा। तो ये पूरा सेक्शन ऐसा है कि यहाँ पे हिस्ट्री पढ़नी है तो अब ऐसे पढ़नी है कि मेंस लेवल की पढ़नी है, ऐसा नहीं करना कि प्री के अलग पढ़ेंगे मेंस के अलग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना, चीज़ों को एक ही बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ये टॉपिक आपके डिसाइड है, यहाँ पे प्री कम ऑप्शनल आपको आपको पता है, आपको ऑप्शनल कुछ भी हो सकता है, आप पबेड वाले हैं, आप हिस्ट्री वाले हैं, आप पॉलिटी वाले हैं, आप ज्योग्राफी वाले हैं, तो आप अपने ऑप्शनल को यहाँ पे साथ दिए, आपका टाइम टेबल है इसमें अपना ऑप्शनल सही करिए, आप अपना एनसीईआरटी लीजिए, उस पर स्ट्रेटजी बनाइए, उस पर काम कीजिए, उस पर जो उसका बुक्स है आपका उसको पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, वो काम आपको करना है, नोट्स वगैरह कैसे बनाना है ये मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद जो है आपका अगला टाइम पीरियड आता है यहाँ पे, यहाँ से जैसे ही कर हो गया क्लास ओवर आपकी, ठीक है, आपकी क्लास ओवर या आपका टाइम ओवर डाल लीजिए किसी दिन कुछ, हमने मान लीजिए मंडे की छुट्टी भी कर दी तो अभी आपको मंडे का यही शेड्यूल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आज संस्था नहीं गया तो शेड्यूल खत्म, आज हमारी भी छुट्टी, आपका सेम टाइम होना चाहिए, 9 से 11 में ऑप्शनल पढ़ रहे हो आप, 11:30 में प्री का मेंस का टॉपिक जो चल रहा था वो पढ़ना चाहिए, और इसमें ये मेंस ओनली अभी आपका ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी वाला सेक्शन ये सब चीज़ चल रही है, वो मान के चलिए कि मेंस ओनली में ये भी मान लीजिए, ठीक है, कुछ समय के लिए वो है वैसे प्री का मेंस का टॉपिक, लेकिन उसको चूंकि हम मेंस ओनली में चला रहे हैं तो उसी को चलाइए, बाद में उसको हम लोग चेंज कर देंगे। अभी 18 अगस्त से आपका यहाँ पे टॉपिक चेंज हो जाएगा, लगभग 18 अगस्त वो इंडियन सोसाइटी या कुछ और चालू हो जाएगा, जैसा भी होगा हम टाइम बता देंगे। इसके बाद आपका अगला सेक्शन है ये रेस्ट का, इसको बढ़िया एंजॉय करिए। अब यहाँ से जैसे ही हुआ सेक्शन कंप्लीट, आराम से रूम पहुँचिए, रूम पहुँच के आराम से हाथ मुँह धुलिए, थोड़ी देर आराम करिए, ठीक है, इसी अवधि में थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, जैसे अखरोट, ड्राई फ्रूट्स रखे होंगे आपके पास वो ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं आप, अखरोट खा सकते हैं इसी टाइम पे, सेब रखा सकते हैं आप चाहें तो इसी टाइम पे एक सेब खा सकते हैं, कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स में डिपेंड, थोड़ा सा खा के, थोड़ा सा बिल्कुल, क्योंकि आगे आपका डिनर का टाइम है और आपका स्टडी स्लॉट है, तो इसलिए थोड़ा खाना ताकि शरीर को थोड़ा सा एनर्जी मिले, थोड़ा सा 2 अखरोट खा लिए, 1 सेब खा लिया या कुछ भी खा लिया, जो फ्रूट्स आपको पसंद है, 1 मैंगो खा लिया, जो भी आपकी इच्छा हो इस टाइम पर आप खा लीजिए, चाय पी लीजिए, चाय के आदि हैं आप तो, थोड़ा सा बॉडी रिचार्ज हो जाएगी आपकी, कुछ भी करिए, लेकिन आपको यहाँ पे इसके बाद आप आराम से बैठिए पूरे दिन भर। आपने कोई मैगजीन मंथली खरीदी होगी, वो मंथली मैगजीन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास न्यूज़पेपर आया होगा तो 1 घंटे मंथली मैगजीन को प्रॉपर दीजिए, पहले 1 घंटे मंथली मैगजीन पिछले महीने का पूरा करंट अफेयर्स उसमें पढ़िए, और इसके बाद अगले 1 घंटे में न्यूज़पेपर पढ़िए, योजना, कुरुक्षेत्र और जो भी मटेरियल आप लेते हैं किसी वेबसाइट के थ्रू पढ़ते हैं या किसी इंटरनेट में कोई आपको गतिविधि है, कोई वीडियो देखते हैं, वो सब चीज़ें आप देख लीजिए, तो आपका यहाँ से पूरा 2 घंटे में अच्छे से प्रॉपर इनके नोट्स बनाइए, ये नहीं हो कि हवा हवाई कर रहे हैं आप, 2 घंटे इनफ है, 2 घंटे में जितना हो जाए उतना ही करिए बस, बाकी फिर छोड़ दिए अगले दिन फिर 2 घंटे आएंगे। रेगुलरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लानर में, एक चीज़ और है, ये रेगुलरिटी होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए प्लानर, ये नहीं होना चाहिए कि प्लानर आपका बहुत जल्दी चेंज होता रहे, यदि आप इसको चेंज भी करते रहेंगे तो कोई बहुत प्रभाव नहीं देगा, रिजल्ट नहीं दे पाएगा, ये रिजल्ट तभी देगा जब ये रेगुलरिटी के साथ एक साइकिल में क्लॉक में घूमना चालू कर देगा, डेली हो रहा है, डेली हो रहा है, डेली हो रहा है, फिर देखिएगा आपको 1 महीने बाद लगने लग जाएगा कि मैं बन जाऊंगा, मेरे से हो जाएगा, मैं कर ले जाऊंगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो काम मैं कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर कितनी ऊर्जा है। दिक्कत ये हो रही है कि आप लोग अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करते हो, डेली कमिटमेंट दुनिया भर के बनाते हो, प्लानर कभी आपका एक्टिव होता ही नहीं है, तो अपने से ही भरोसा उठना चालू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अंतिम जो है आपका डिनर, डिनर हल्का लेना चाहिए, ज़्यादा डिनर में ये नहीं होना चाहिए कि बहुत भरसक खा लिए, पता चला अब यदि कोई व्यक्ति ब्रेकफास्ट सही से ना करे, लंच सही से ना करे, इस टाइम पे सही से ना करे, तो डिनर में तो हबसी बन जाएगा, वो दानव बन जाएगा, जो मिल गया उसी पे टूट पड़ेगा, पता चलेगा पूरे दिन भर का चट्ट एक ही बार में, तो वो काम नहीं करना, इसलिए इस सब पे भी प्रॉपर टाइम देना, डिनर हल्का लो। डिनर तो कभी कभी आप लोग कुछ नहीं करो, मिल्क दूध पियो सो जाओ, 2 गिलास बिल्कुल दबा दो दूध, जिस दिन मूड ना करे फीका दूध पियो सो जाओ, तो भी आपका बढ़िया शरीर काम करेगा। डिनर में कोई ऐसा नहीं हो चाहिए कि डिनर मतलब बिल्कुल आपको वो खाना ही है, लोग गलत करते हैं, लोग यहाँ पे डिनर ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, रात में व्यंजन बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब काम इसका होता है लंच का, लंच पे आपको प्रॉपरली अच्छा वर्क करना चाहिए, डिनर पे ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहिए। आप खिचड़ी बना के खिचड़ी खा सकते हैं, नॉर्मल कुछ खाइए, बिल्कुल नॉर्मल, जहाँ पे 4 रोटी खाते हैं 2 ही खा के सोइए, 2 रोटी खा लीजिए,
थोड़ा खाइए जो भी करना है, डिनर पे ज़्यादा उस पे मत पड़ेगा, बहुत हैवी मत कर दीजिएगा इसको, नहीं तो नींद प्रभावित होगी आपको, क्योंकि बॉडी पचेगी भी तो। देखिए आप तो सो गए लेकिन कहीं ना कहीं पे आपका मशीन नहीं सोई, वो काम कर रही है लगातार, स्पेलर चल रहा है आपका, उसको तो आपको कंट्रोल करना है कि इतना हो कि कम से कम और नींद तक नींद को प्रभावित ना करे, ठीक। तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड खा के सोइए, कुछ भी खाइए हल्का खाइए, अपना फिक्स कर लीजिए क्या खाना है आपको। 50 चीज़ें, मैं मेनू कार्ड नहीं बताऊँगा आपको कि ये खाना है वो खाना है ये नहीं खाना। आज के टाइम में लोग शाम को पार्टी मनाते हैं, पार्टी मनाने के चक्कर में क्या क्या करते हैं, पीना चाहिए था दूध पी रहे हैं कुछ और, ठीक है वो बता तो दिए। स्टूडेंट लाइफ में लोग इतना मतलब रेगुलेशन होता नहीं है, कोई समझाने वाला भी नहीं है, कोई कान पकड़ के दो थप्पड़ मारने वाला भी नहीं कि ये नहीं करना है। तो लोग रात में क्या क्या खाते हैं, कोई मटन बना के खा रहा है, कोई बढ़िया अंडे, बढ़िया अंडर तरी चल रही है, तो क्या खाते हो और बड़े खुश होते हैं, फिर अगले दिन सुबह 6-7 बजे तक पसरे पड़े हैं, चिकन अंदर ही चिल्ला रहा होता है कि खा के सब, वो सब टाइम डिनर में मत हो। लेकिन लोग अभी चले जाओ कभी अब ये चीज़ों में, और फिर वही लोग बीमार भी रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो डिनर बिल्कुल मिनिमम हल्का खाइए, इसके बाद फिर आपको स्टडी करना है, ठीक है। प्रॉपर 1 घंटे आपको पढ़ना है, 1 घंटे में चूंकि मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही पढ़ना है आपको, पिछले साल के पेपर ही पढ़ना है, तो पिछले साल के पेपर में आपका घटना चक्र का जो टॉपिक रहेगा, भाई सो रहे हो तो सोते समय बहुत ईजी चीज़ पढ़नी है, तो क्वेश्चन आंसर हैं वही पढ़ रहे हो आप लोग, पिछले साल के पेपर देख रहे हो कि अच्छा इस तरीके, ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगले दिन फिर आपको यही सब चीज़ें पढ़नी है, और जब ये चीज़ें पढ़ रहे होगे आप तो आपको इसका इम्पैक्ट दिखेगा, आपके इस पढ़ाई में चेंज आएगा, रात भर में आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा जब आप ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ के सोओगे, तो दिमाग को लगेगा कि मेरी पढ़ाई में ये इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, मुझसे इस तरीके के क्वेश्चन पेपर मुझे हल करने हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है तो मुझे इसी लेवल का पढ़ना है, तो आपके ब्रेन को वो पूरी रात प्रोसेस करके आपको अच्छा रिजल्ट देगा अगले दिन, ठीक है। तो सोते समय आपको इजी वर्क करना चाहिए और सो जाना चाहिए। फिर इसके बाद मैंने कहा कि आपके पास टाइम है सोने का कि आप 11:30 तक सो जाइए, पढ़ने के बाद आराम से उठिए, उठने के बाद फ्रेश होना हो फ्रेश होइए, हाथ मुंह धुलिए, बॉडी में मसाज भी कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी पेन होता है, दिन भर की थकान होती है, थोड़ा सा बैठ गए तो मसाज कर लिए बॉडी में, हेड मसाज कर लिए अपने, ठीक है, ताकि अब आपको बेड पे जाना है, और आराम से लाइट बंद करिए, लाइट खोल करके मत सोइए, मोबाइल को दूर रख दीजिए, मोबाइल नहीं रहना चाहिए, मोबाइल तो आपका यहीं से डिनर के बाद से ख़त्म हो जाना चाहिए। डिनर किया, डिनर करने के बाद न्यूज व्यूज सब कुछ सुना, सुनने के बाद मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, एयरप्लेन मोड पे लगा दो, साइलेंट मोड पे लगा दो, कुछ नहीं हो जाएगा। आपके फादर को पता चल जाएगा, आपकी माँ को पता चल जाएगा कि ये 9 बजे के बाद फ़ोन नहीं उठाता किसी के, वो नहीं करेंगे इसके बाद, उन्हें बता दो, कुछ नहीं हो जाएगा आपका यदि फ़ोन नहीं रहेगा आपके। पहले नहीं रहता था फ़ोन, आर्मी पर्सन के पास फोन नहीं होता है, उन्हें अलाउड नहीं रहता फोन रखना, ठीक है। तो उनका कुछ नहीं हो जा रहा जबकि वो बहुत संकट वाली स्थिति में रह रहे हैं, आप तो यहाँ पे बंद कपड़े में आराम से तो फोन यदि रहेगा आपके पास 11:30 बजे, लिख लो नहीं सो पाओगे फिर आप, वो आपको खा जाएगा किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि भारत क्या पूरी दुनिया 2/3, देखो आधी दुनिया तो जगी रही होती क्योंकि वहां सूरज उदय होता है, बाकी की आधी दुनिया भी जगती है, यहाँ पे उल्टा चल रहा है सबका खेला, तो आधी दुनिया और जग रही होती तो वो आपको परेशान कर देगी, कोई कमेंट आ जाएगा, कोई यूट्यूब में वीडियो आ जाएगा, कोई व्हाट्सअप बहुत अच्छा आ जाएगा, वो दुनिया जो जग रही हो आपको भी नहीं सोने देगी, तो आप उस चक्कर में परेशान हो जाएंगे। इसलिए 9 बजे के बाद मोबाइल को किसी अलमारी में, किसी लॉकर में, कोई बक्सा में जहाँ ताला वाला लग सके लगा के उसकी चाबी रख दो दूर, अब इसको नहीं निकालूंगा चाहे जो हो जाए, चाहे जितना महत्वपूर्ण काम पड़ जाए, तो वो खा जाएगा आपको, मैं सच बता रहा हूँ, दानव है। आप यदि मोबाइल के चक्कर पड़े संडे के दिन आप कुछ करना करिए ना, आपका दिन है 8 बजे तक, आपको मैंने अलाउ किया कि 8 बजे तक आप संडे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी, हाँ जो करना हो खेलो कूदो, लेकिन क्रिकेट एक चीज है, साल भर क्रिकेट खेला नहीं, एक दिन जाके खेला है तो पड़े हैं अगले दिन, पता है ना वही हाल हो जाएगा जिम वाला हाल कि पहले दिन गए अगले दिन से बस पड़े हैं कि शरीर का ये अंग दर्द हो रहा है वो अंग दर्द हो रहा है, सिर्फ रेगुलर बेस पे हो तो चीज़ें चलती हैं। हर चीज़ का यहाँ पे टाइम है, आप इस टाइम पे कुछ कर सकते हो एक्टिविटी, 1.5 घंटे का टाइम है, रेस्ट वाला टाइम है, आप 1/2 घंटे डेली बैडमिंटन खेल सकते हो, 1/2 घंटे में बहुत काम कर सकते हो, यहाँ पे खूब है, इनफ टाइम है 1/2 घंटा, ये नहीं कि फिर आप मुझको साइना नेहवाल बनना है, ये बनना है, वो बनना है, वो नहीं फिर बैडमिंटन में अलग ख्वाब चालू हो जाए, थोड़ा सा जो एक्टिविटी आप इजी कर सको, क्रिकेट में चाहिए 11 लोग, अब बताओ, अब 11 को पहले पटाओ,
कि भाई क्रिकेट खेलने चलना है, भाई भाई आज चलना ही चलना है। वो कह रहा है मैंने नहीं, मैं कल नहीं, आज नहीं जाऊँगा। आप आधे घंटे के लिए जिम जा सकते हो, और बताओ आधे घंटे के लिए बस। स्टूडेंट लाइफ में इससे ज़्यादा के लिए जिम नहीं चाहिए, आपको बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, लेकिन आधे घंटे में जो पसीना आप बहा दोगे उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। या घर पे ही डिप्स मार सकते हो, सिटअप कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो, चिनअप कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कुछ नहीं तो अपने मकान मालिक की सीढ़ियाँ तोड़ सकते हो, ऊपर नीचे ऊपर। वो पूछेगा क्या कर रहे हो भाई, दिन में ऊपर नीचे जा रहे हो, ऊपर नीचे, कोई बात है क्या? तो बोलना कि कुछ नहीं। तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, 50 एक्टिविटीज़ हैं जो आप इजीली वर्क कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आधे घंटे में आप कुछ ना कुछ बॉडी के लिए करिए, कर सकते हो, आपके पास इनफ टाइम है। ठीक, तो ये मेरे द्वारा बताया गया शेड्यूल है। यदि आप फॉलो कर पाए और रेगुलर फॉलो कर पाए तो मुझे एक महीने बाद मिल के बताइएगा कि सर कैसा लगा। मैं गारंटेड आपको इस चीज़ पे गारंटी देता हूँ, गारंटेड लिखित तौर पे, कि आपको वो ऊर्जा होगी, आपके अंदर वो नॉलेज होगा, आपको वो प्रतिभा होगी। अब ये सब पे काम कैसे करना है कि भाई अब प्री कम मेंस पे नोट्स कैसे बनेंगे, मेंस ओनली के नोट्स कैसे बनेंगे, करंट अफेयर्स के ऑप्शन के नोट्स कैसे बनाए, उस सेक्शन में बता रहा हूँ मैं आपको, वो उस पे मैं काम करूँगा। या फिर NCERT पढ़नी है तो ये जो टारगेट प्रोग्राम है, टारगेट प्रोग्राम में मैं NCERT अब आपको देना शुरू करूँगा कि आपको ये NCERT पढ़नी है, आपको ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, ये वैल्यूम पढ़ना है, ये सब मैं आपको दूंगा पर्सनली, ये मेरा काम है। लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है कि प्रॉपर एक प्रॉपर शेड्यूल पे आ जाना। देखो ये कोई चीज़ क्लैश नहीं कर रही, ये आपका कोचिंग है। कोचिंग में आपका प्री कमेंस चल रहा है, आप भी वही पढ़ रहे हो, क्या दिक्कत है? सोर्स ऑफ नॉलेज कोचिंग है, यहाँ पे अच्छे से आना है, पढ़ना है, एक मिनट भी यहाँ पे खराब ना करो। टीचर आधे घंटे लेट भी हो जाता है तो भी उस टाइम को यूटिलाइज कर लो कि मेरे पास टाइम है, मेरा टाइम चालू हो चुका है इसलिए मैंने पढ़ना चालू कर दिया। किताब है ना आपके पास अच्छे से, तो ये आपका प्रॉपर शेड्यूल निकल के आता है अकॉर्डिंग टू मी। जिस दिन छुट्टी मिल जाए उस दिन रिवीजन कर लो, और ये बात तय है कि छुट्टियां तो मिलती हैं, इनफ छुट्टियां मिलती हैं। देखो दीपावली, दशहरा, होली यदि पूरे ज़िले के साथ मनानी हो तो 2 साल के लिए दीपावली, दशहरा, होली, ईद नहीं मनानी होगी। यदि आप चाहते हो कि 2 साल बाद पूरा ज़िला आपके साथ जश्न मनाए या पूरे ज़िले के साथ आप जश्न मनाएं, तो 2 साल के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा तिथि, त्यौहार, सब कुछ। आपको शादी विवाह भी, घर के कार्यक्रम भी हो रहे हैं तो उस पर भी प्रेजेंस उतनी ही देनी होगी जिस प्रेजेंस के बाद बात बन जाए। ठीक है, ये नहीं कि भाई की शादी है तो कार्ड मैं ही बांटूंगा, तो 1-1.5 महीने से कार्ड ही बांट रहे हो आप, वो चीज़ें ना रहें। तो यदि ये अप्रोच लेके चलोगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा काम हो जाएगा। यदि ये अप्रोच नहीं लोगे तो जिस दिन छुट्टी मिलती है उस दिन भाई मैंने अभी तक जितना पढ़ा उसको रिवीजन कर लूँ, उसको मैं यूटिलाइज कर लूँ। आपको तो ढूंढना चाहिए कि छुट्टी किस दिन मिल जाए, किस दिन मिल जाए, किस दिन मिल जाए। डेली बेसिस पे रिवीजन आप ना कर पाओगे और ना करना सही भी है। आपको जिस दिन मिले कि आज के दिन फ्री हो गया तो आज मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, ये सब नया पढ़ने वाला दिन है। जिस दिन छुट्टी मिली आपको संस्था से कोई ना कोई दिन तो छुट्टी पक्का मिलेगी, और किसी ना किसी दिन तो आप खुद ही सोच लेते हो कि आज की छुट्टी है ऑफिशियली। तो जिस दिन छुट्टी मिल जाती है उस दिन बैठो, बैठने के बाद पुराना पूरा देखना चालू कर दो कि आज क्या क्या पढ़ा, मेंस में क्या पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा, बस काम खत्म। तो यदि ये 1 साल कर ले गए तो 1 साल बाद मुझे जिले के साथ आप दीपावली, होली ना मनाते दिख गए तो बताना, लिखित तौर पर ले लो मेरे से आज। लेकिन ये आप नहीं कर पाए तो 10 साल बाद भी आप जहाँ पे आप बैठे हो वहीं पे पड़े रहोगे। इसे कहते हैं अनुशासन और डिसिप्लिन। ये है अनुशासन और डिसिप्लिन के बिना नहीं हो सकता। हम लोग, मेरी स्कूलिंग हुई है RSS के विद्यालयों में, तो अनुशासन का मतलब क्या होता है RSS वाले बताते हैं बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से। सुबह फिक्स रहता था, 4 बजे उठना है तो उठना है, फिर प्रातः स्मरण होता था, प्रातः हनुमान चालीसा तक पढ़ते थे हम। प्रातः स्मरण होने के बाद सुबह सुबह यहाँ तक चेक किया जाता था कि प्रातः स्मरण में आप लोग आए हो तो ब्रश करके आए हो कि नहीं आए हो, जीभ चेक करते थे। बताइए ये कौन करता है? उस पर आपको टंग क्लीनर के द्वारा आपको साफ करके आना होता था। तो बच्चा किस तरह, हम फौज की तरह, जैसे ही 4 बजे घंटी लगती थी फौज की तरह भागते थे कि आज जो है जा करके पहले होना है, फिर 5 बजे ग्राउंड में मिलना है, नहीं PT मास्टर आपको खा जाएगा। तो अनुशासन आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तब आप बहुत अच्छा कर पाओगे, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ आप निकल पाओगे। तो अपनी लाइफ को चूंकि आपका है तो अब डिसिप्लिन में लाइए इसे। अब आप नहीं लाओगे सेल्फ डिसिप्लिन, और कुछ समय बाद खुद डिसिप्लिन बन जाता है। कुछ समय तक किसी ने रेगुलेट किया, अब आप बड़े हो गए हो, अब आप किसी की नहीं सुनने वाले, ना माता पिता आपको डिसिप्लिन में ला सकते,
ना कोई, अब आप अपने आप को खुद ही ला सकते हो डिसिप्लिन में, ठीक है। तो अब आपको कुछ कहा नहीं जा सकता, अब आप खुद सोचिए अपने से आपको क्या लाइफ में करना है और उसी हिसाब से आगे बढ़िए। मेरा काम था आपको एक सही सलाह देना एक अच्छे मार्गदर्शक के तौर पे, तो मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ, सही सलाह मेरे हिसाब से ये निकल के आ रही है, ठीक। अब आप अपनी मर्जी से जो भी हो, संशोधन जटिल है, संशोधन करना चाहिए लेकिन संशोधन जटिल है। कभी मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो आपको संशोधन करना पड़ेगा, उस टाइम पे आप पढ़ेंगे तो कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाएगी। एक बात दिमाग में रख लो, पढ़ने का मतलब है प्रोडक्टिविटी निकल के आना, उसका कुछ उत्पादकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लगे हुए हैं बस सर भिड़ा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। उत्पादकता कैसे बढ़ेगी आपकी हर पढ़ाई की, वो मैं नोट्स मेकिंग प्रोग्राम पे बताऊंगा। जो मैं नोट्स आपको बता रहा हूँ ये नोट्स मेकिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जब क्लास में नोट्स बनवाए जाए ना, आप उसी लेवल पे बना भी सकते हो, जरूरी नहीं है कि हम जैसे बताएं पॉइंट बाय पॉइंट वैसे ही नोट्स भी बना सकते हो, या अपना कुछ टाइम निकाल करके जिस दिन छुट्टी मिले कुछ करें आप उस नोट्स पे काम कर सकते हो, एक प्रोजेक्ट के तौर पे चालू कर सकते हो कि इस चीज़ के नोट्स मेरे प्रोजेक्ट के तौर पे चल रहे हैं और ये प्रोजेक्ट मुझे 2 महीने में 4 महीने में ख़त्म करना है, ठीक है। हर चीज़ की प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर, यदि प्लानिंग नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये हो गई आपकी बात रूटीन की, पहली बात जो मुझे करनी थी, समझ में आई मेरी बात। मैं कोई अव्यवहारिक बात तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कि बहुत अव्यवहारिक हो, आपको लग रहा हो कि ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ये सब इजी है क्योंकि आपके स्टडी से जुड़ा हुआ है, आपकी संस्था से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, प्लानिंग है, और ये सब एक घटना दूसरे घटने के ऊपर, ठीक है, एक घटना गड़बड़ होगी दूसरी घटना जाएगी आपकी, इसलिए आपको सोना इस पे बहुत काम करिएगा। यदि नहीं सोए तो फिर कोई गारंटी नहीं कि आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप 6:30 बजे उठेंगे आपके दिमाग में निगेटिविटी आ जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अलार्म 5 बजे से लगा लीजिएगा। 5 बजे से अलार्म लगाएंगे ना, 15 दिन बाद ऑटोमेटिक 6 बजे उठने लग जाओगे आप, बोलोगे यार 5 बजे से भी नींद खराब करता है, ठीक है। और अलार्म हुए यदि आपको लगता हो तो एक एप्लीकेशन आता है अलार्मी करके, अलार्म ही लगा लेना, फिर इसके बाद पड़ोसी तक जग जाएंगे, अलार्म नहीं बंद होगा आपका, उसे बंद नहीं कर पाओगे। उसमें क्या होता है कि एक कैलकुलेशन, मैथ का एक कैलकुलेशन होता है, उसे आपको सॉल्व करना पड़ता है, और वो पूरा हूटर की तरह बोलता है, जैसे पुलिस वालों का हूटर हो। अलार्म ही ऐप आता है प्ले स्टोर में, मिल जाएगा, तो उसमें उसमें पूछता है कि आप क्या करना चाहते हो सुबह, तो आप तो रात में तो जोश जोश में लगा लेते हो कि मैथ के, वो भी लेवल पूछता है कि आप हार्ड क्वेश्चन करना चाहते हो इजी करना चाहते हो, और जब तक क्वेश्चन हल, अब जब तक क्वेश्चन हल करोगे ना तब तक ब्रेन जग जाता है, फिर ब्रेन को लगता है कि यार आप पहले हल करो ये क्वेश्चन तब ये बंद हो, वो कुछ नहीं होगा, स्विच ऑफ कर दोगे तो भी नहीं मानेगा, वो बैटरी निकाल के रख दो, फिर यही हो सकता है कि अब चूंकि अब इन मोबाइलों में बैटरी निकाल नहीं सकते तभी वो बंद होता है, तो वो आपको जगा देगा, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। चार्जिंग फिर अगले दिन अनइंस्टॉल कर दोगे आप, वही है आपको, मुझे पता है आप फिर वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। जगना देखो, आपको कुछ करना है तो ये करना पड़ेगा, नहीं करना है तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं, एज यू विश, आपकी मर्जी। अलार्म कभी किसी को जगा नहीं पाया, मैं अपनी बात बताऊं तो पहले जब शुरुआती दौर पे थे तो मेरे घर पे मेरे नाना जी थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, उम्र थी 84 साल, तो सोया करते थे, और डेली मैं अलार्म लगाता था कि सुबह उठूंगा टहलने जाऊंगा, मेरा टहलने का बड़ा शौक रहता था, बड़े भाई आर्मी में, तो उनसे बड़ा इंस्पायर था, वो सुबह निकल जाते थे टहलने तो मुझे लगता था मैं भी जाऊंगा, डेली उनको कमिट करता था कि भैया मुझे भी कल लेके जाइएगा, अलार्म लगाता था, बगल में नाना जी सोते थे। अब डेली क्या होता था, मैं तो नहीं जगता था, नाना जी जग के उठ जाते थे। 15 दिन ऐसे ही चला, 15 दिन नाना जी बेचारे 4 बजे से, एक बूढ़ा आदमी, उनको अच्छी खासी नींद चाहिए, बच्चे और बूढ़े को बहुत नींद चाहिए, तो उनको मैं जगा देता 4 बजे। तो एक दिन मैं रात में अलार्म लगा रहा था तो मुझे बुलाया, इधर आओ, मैंने कहा क्या है, बोले अलार्म अपने जगने के लिए लगाते हो कि मेरे जगने के लिए, पहले इस अलार्म को यहाँ से दूर करो नहीं तो मैं इसको, फिर वो अलार्म मेरा गायब कर दिया उन्होंने। तो अलार्म क्या है ना, ये कोई ऐसा नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो आप जग जाओगे, अंदर से आपके होगा तो ऑटोमेटिक नींद खुलेगी, नींद ही नहीं आएगी चीज़ों को लेकर के, लगेगा नहीं 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 मुझे करना है, मुझे करना है, अभी करना है, इसी टाइम पे करना है, तो आप सो जग जाओगे, और नहीं तो कुछ नहीं होगा, आप अलार्म लगाते रहिए। आपने 22-23 साल लगाए हैं अलार्म, उसका कोई प्रभाव हुआ नहीं है और ना प्रभाव होगा। मेरे फादर हमेशा मुझे बोला करते थे, बेटा टाइम से उठो, टाइम से उठो, आज उनकी बात लगती है कि कभी टाइम से अच्छे से टाइम से उठ के किया गया होता तो शायद बहुत बड़ा रिजल्ट आता। तो हमारे फादर, हमारे जितने शुभचिंतक है सब बोलते रहते हैं कि टाइम से उठो, मेरे फादर भी टाइम से उठते, मैं बोलता हूँ अब आपने उठना शुरू किया है, आपने भी यदि बहुत अच्छे से उठना टाइम से शुरू किया होता तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप कुछ इतना बना के मुझे दे देते,
तो क्या होता है कि हमें चीज़ें बहुत बाद में समझ में आती हैं। यदि समझ में आ रही हो तो इसको जल्दी से जल्दी अप्लाइड कर दो। जगने की तो बात है, कोई बहुत बड़ा इशू थोड़ो ना है। जगते आप 8 बजे हो, कल से 6 बजे उठना है। 2 घंटे का रेस्ट के चक्कर में जल्दी सो जाना है। एक आपको प्रॉपर सही शेड्यूल पे आना है बस। जगने को जल्दी करो और सोने को जल्दी करो, दोनों जल्दी कर दोगे तो जल्दी हो जाएगा और फिर जल्दी सफलता मिल जाएगी। ठीक है, नहीं ज़िंदगी में इतने लेट हो जाएंगे फिर सब कुछ लेट होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ लोग इतने लेट हो चुके होते हैं कि उनकी शादी भी लेट होती है, फिर बच्चे भी लेट होते हैं, फिर कितना लेट हो जाता है उन्हें भी नहीं पता, फिर डॉक्टर के पास दर दर भटकते हैं। इसलिए कृपया करके बात को समझिए, टाइम से सब करिए। अभी हमें आगे चल के और बहुत काम करने हैं, शादी करनी है आप लोगों को। ये जो पढ़ रहे हो ये संघर्ष किसके लिए? शादी के लिए ना। हाँ चलो ख़त्म करें। ठीक है, तो इस शेड्यूल को आप लोगों ने लिख लिया हो तो ठीक है, नहीं लिख लिया हो तो वीडियो आप देख लीजिएगा दोबारा, आप लोग समझ जाइएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करना, लागू कब करेंगे? लागू करने की तिथि अपनी अपनी निर्धारित कर लीजिएगा। कल से मत करिएगा, बस अगले वीक से कर दीजिए, 7 दिनों के बाद। लेकिन कल से जिसने किया उसका भी खराब चौपट है, लिख लो वो भी। जो आज से कर दिया उसका और चौपट है। 7 दिनों बाद ब्रेन को प्रिपेयर करना है, डेली इसी पे काम करना है कि अच्छा ये चीज़ें मुझे लेके चलनी है। अपने पेंडिंग वर्क अभी निपटा लो, अपनी अपनी हैबिट पे थोड़ा काम करना शुरू कर दो, थोड़ा जल्दी चालू कर दो, सब कुछ कर दो। अगले वीक से कर लेना, लेकिन कल से मत करना। बाकी जो करना सो भोगना, फिर ना मेरे पास आना। फिर क्या होगा, एक बार ये शेड्यूल आपका ब्रेक होगा तो आपका इससे विश्वास उठ जाएगा, और एक बार विश्वास उठा तो फिर ये शेड्यूल आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि विश्वास पे ही सब कुछ आधारित है। यदि विश्वास गया तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। देखो हर चीज़ विश्वास है, आपको मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाए, मुझे आपके ऊपर से विश्वास उठ जाए, आपको कोचिंग के ऊपर से विश्वास उठ जाए, आपको किसी किताब के ऊपर से विश्वास उठ जाए, वो किताब कितनी भी अच्छी क्यों ना हो उसे कुछ नहीं हो पाएगा। भाई भाई के रिश्ते में छोटा सा विश्वास का लकीर खत्म होता है। दोनों भाई भाई जहाँ एक थाली में खाते थे, कल के दिन एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। ये क्या है, सब विश्वास ही तो है। विश्वास में क्या क्या नहीं हो जाता है। इसलिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। विश्वास से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो इस पे यदि विश्वास जिसका उठा उसका कुछ नहीं हो पाएगा, और जिसका विश्वास बना रहेगा वो इसको सिलेक्शन भी दिला देगी, सफलता भी दिला देगी। चलिए ठीक है, अब दूसरे विषय पे मैं चर्चा